अरे उसकी तो घबराने की बात ना, अभी तो मैं टीम पैदा करूंगा और हाँ दिल्ली भिजवा देंगे, ठीक है। तो मैंने एग्जाम करना अंदर के रोला, अरे जब बालक होएगा तो रोला रुका तो हो गई तेरे, फिर एक बालक हो लिया। हाँ तो हो लिया, तेरे पेट में किधर धरा, तुझे क्या सेध रहा? अरे आज नहीं सेध रहा, पर कल तो मुझे ही सेध देगा। हैं तेरा कौन सा बालक है यू? यू नो व्हाट, तेरे नौ बालक मेरे उस अकेले डांट ले को जीन देंगे के, कमावेगा मेरा वो अकेला, खावेंगे तेरे ये। हाँ सबको तू ही ना रिजक बांट रहा, तू ही ना सबके घरों में कर रहा है भाई, मेरे बालक तेरे घर में के खान जाएंगे भाई। अरे बात को समझ राजिंदर, मेरा अकेला कमा के देवेगा सरकार को टैक्स, उस टैक्स से तेरे नौ बालक खाएंगे फ्री का राशन, उसी टैक्स से स्कूल में जाके फ्री में पढ़ेंगे, उसी टैक्स के पैसे से अस्पतालों में इलाज करवाएंगे। बता खाएंगे नहीं खाएंगे मेरे बालक की कमाई? अरे एक बात बता, तेरा ही कौन सा मील लेके पैदा हुआ, हो सके मेरे ही बालक तेरे बालक से आगे लिगड़े। जैसा तू आगे लिगड़ा वैसे तेरे बालक आगे लिगड़ेंगे। अरे मुझे तू ज्यादा पढ़े थे पढ़ाओ मत, मेरे जो बालक पैदा हुआ ना वो एक मुंह दो हाथ लेकर आया, एक मुंह से खाओगर दो हाथों से कमाओगा। अरे कमावेगा तो जब ही जब उसे कुछ हिल्ला मिलेगा, हैं के काम देगा तू उसे, थारे दो खोड़ थे तमने वो बेच खाए, लहंगा थारे नहीं बन रहा, फैक्ट्री थारे नहीं चल रही, के करवाएगा तू उनपे? अरे काम की कमी ना दुनिया में, काम करने वाला चाहिए, कुछ भी कर लेंगे। के कर लेगा तो कुछ भी, कुछ नहीं कर सकता तू, तू बिकवाएगा इनपे कुकड़ी, और ये कुछ ज्यादा ही उन्नति कर गए तो टायर में पिंचर लगावेंगे और ना हो इन पे कुछ। अरे वो धन्ना सेठ ज्यादा बकवाद तो करे ना, राजेंद्र के बालक पिंचर नहीं लगाने के, राजेंद्र के बालक डॉक्टर प्रिंसिपल और पुलिस वाले अफसर, अफसर बनाऊंगा अफसर, नहीं अफसर बना देगा। तन्ने ये इतने सारे पैदा कर दिए, तेरे पे तो इनकी रोटी भी न पुगे। बारे में ना कह दिया कुछ, बालक की कमाई हमने, यही कमाई है हमारी। अरे यही तो कमाई हमारी, बताइए बापू तू क्या मान रहा, घना बड़ा रही सपने को, हरे घर में बता किस चीज की कमी, पांच कट्टे गेहूं के भरे थे, नड़के का सामान ले रखा, पूरे को लखा, एक कोड़ी लट रखे ने तार गेर रखा, ये नलका गड़वा देंगे, तीन तीन बिटोड़े हैं तेरे चाचा के। अरे बिटोड़ो में तुम फूकोगे के, मरना जीना तो उसका हो जिसके घर के गोश्ते हो, घर के फाड़े हो। नहीं खोल रखी तुमने? हाँ नहीं खोल रखी, और बकवास ना कर दिया के पटक दूंगा एक मिनट में मैं। कंपनी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा, अकल है नहीं बालक, तो परमात्मा की देन हो। अरे तम बापू बेटा मेरे सिर हो रहे हो, मैं थार नु बुझू, यू ऊपर वाले की देन सारी इस हिंदुस्तान में ही क्यों बरस रही है, यू दुबई में क्यों नहीं बरसती, अमेरिका में क्यों नहीं बरसती, इंग्लैंड में क्यों नहीं बरसती, तम अपनी करने को ऊपर वाले के माथे मत मढ़ाओ, दिमाग ते काम लो। अरे ओ अंग्रेज तू हमें भेज दुबई, हम बरसाऊंगे ऊपर वाले की कृपा वहाँ, और जो बाप भेज दे ना अंधी तार देगा। अरे थारी अंधी तो हिंदुस्तानी परेशान हो रहा, उन्हें तुम बकासी दो, हड्डी देख के कमजोर ना मानिए। अरे मैं तुम्हें कमजोर नहीं मान रहा, पर थोड़ा दिमाग तक काम ले लो। मतलब मारे में दिमाग ही ना दिखाई तो देता नहीं? ओए तेरे में घना दिमाग है, ज्यादा फालतू ना बोलिए ना, एक रैपटे में दिमाग वहाँ पड़ा पाओगा और तू वहाँ पड़ा पाओगा। अरे तेरे पे अपना बोझ उठता नहीं, तुम्हारे पे हाथ ठावेगा बापू, ठा के पटकू ही जाए। अरे रहन दो तुम, ज्यादा पटकने वाले मत बनो। अरे क्या कह रहा है यू, आज फिर बकवास करने लगा दिखे आयु, तन्ने कैसे दांत ठा रखा हमारे बालकों पे, तेरे घर जा रहे खाने, तेरे जा रहे गोचनी तुलवाने, तू अब तो ही मेरे सिर पे चढ़ गई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो समझा ही तो रहा था। क्या समझा रहा है तू इसे, सारे काम को यूँ समझावे, तू ही एक ज्यादा समझदार है समझाने वाला, ज्यादा फालतू बोलना मत ना, नहीं तो तेरी जीभ खींच लूंगी। अरे चाची मेरी जीभ खींचने तो कुछ नहीं हो, इन बालकों पे लाइन खींचो, तुमने जो बालकों की लाइन लगा रखी है। अरे तो तुझे क्या दुख हो रहा, भगवान दे रहा हम ले रहे, यू भगवान थारी आगे छोड़ जा बालक, मारा क्यों नहीं छोड़ता एक आधा, तेरे बस की कोना। अरे इस मारे फुकरा इसके हो जो ना रे, एक ही होके रह गया। अच्छा हमारे हो रहे, हमारे कर्म अच्छे इस मारे हो रहे मारे। अरे थारे कर्म नहीं, थारे कर्तव्य ऐसे हो रहे हैं, तू नहीं समझती बात। अनूप का ना मेरे अंदर से जलन हो रही है, इनके लौंडा ही हो रहे। अरे चाची तू तो मेरे सिर होगी बिना मतलब, चल राजेंद्र यार लेट हो लग रहे, आ जा। अरे माँ आज मैं सर रस्ते में फोड़ूंगा, और बापू तू पुलिस को थाम लिए। हाथ थाम का काम करिए, यू तो लग रहा है बैंकर घर भर मत के, यू मारी काम आना, इसके वाला केला किसे किसे थाम लेगा। हाँ ठीक कह रहे हो। अरे रोटी तो ले जाता, चुप रहो जा पूरे दे, भीतर बालक नहीं खाने देते, ये रोटी देने लग रही। हाँ हाँ चल ले, चला साइकिल भाई तू ही चला ले यार, मेरे गोड्डों का दम निकल रहा। तेरे गोड्डों का दम सा ना, तेरा ही दम निकलने को हो रहा, तुझे समझावे मानता तू है नहीं है। चल बैठ आगे, चल थोड़ा आगे होके बैठ, चल। अरे संभाल के चला, गेर मत दिए।
भगवान गरम शीशे की देख ठंडी हुई पड़ी है। भगवान सेक दे सैड सैड लिकाड़ दे गरम गरम सी रोटी, इसमें आग जला ले धुआं तार रखा। रे राम भजन, अरे यू कम मखत बैलंगड़ फिर आ लिया इसने खाए। रे राम भजन, रे क्या हो रहा है भैया? अरे टुकड़ा बिरान कर खा तने महाराज तेरी के रेटी चावे रुपए दिन निकलती आ ले आजा बैठ। अरे चवन्नी लाल तो आ लिया राम भजन, कुछ हमारे बारे में भी सोच ले, बहुत दिन हो लिए। अरे भाई तने तो रोटी खानी भी हराम कर रखी, करूँगा तेरा भी जुगाड़, ठहर जाएगा आदत से। अरे ठहर तो मैं जाऊँगा और भी, राम भजन सुन मेरी बात, पैसा तो तू मुझसे और ले ले मगर मेरा जुगाड़ करवा दे। अरे तेरा जुगाड़ करूं अभी हमारे सुबह लंगर। अरे सुन राम, ठहर जा, क्या कर रहा है? रुक रुक रुक, कहां भाग गए? ए छोरी चुप रह, लगा ना तेरी घंटी। अरे कहां गई भाई? देखो आया तेरे पास पहलवान। अरे तेरे ससुर मर जाओ बैठा यहां। जलेबी लाया हूँ, जलेबी थार लियो खा लियो, ये भी खाओगा? हाँ जब खाने लायक हो जाएगा, जब ना लाके दो इसे। जब तू खिला दिए खा लो खा लो। छेरी मेरे ससुरे सारी खा दे रहा, कुछ हमें भी खा लेना, छोड़ दो। जलेबी का हाथ में लगा दिए मेरा ससुरा, छोड़ दो बापू, निकल जाओ। जलेबी खा लो रोजाना, देख खाने के चक्कर में जलेबी खा लो, जलेबी का बहुत बड़ा जलेबी खा लो, मैं जलेबी खावा बन गया बापू। कोई बात नहीं, देख फिर का डन है, सारे टक्कर मारे आकर सूदी। मैं बताऊंगा क्या बापू, सही तो बड़े नहीं पड़ता। आजा आजा मैं बताऊंगा तुम्हें। अरे इतने हराम बाल की धरे थे के मारे कर्म में पहलवान। तेरे ससुरे कुछ नहीं हाथ पल्ले पड़े देते, आ तो जा कुछ आती चिपट जा। अरे यू के करे लग गया बापू, जेब में जलेबी भर रहा, फिर तो मैं भी खा लू, कुछ तो हाथ लग गया, माँ खा ली। ले माँ तो बच गया, खा ले। हराम के बच्चा इसे लेके छीन के माँ को बिना खान दी। आ जाओ मैं सुतूंगा तुम्हें। अरे बावड़ा बना दिया, ऐसे बच्चे पैदा करे नाश पिट्टे। तू ही देख कैसे हैं ये, और माँ तू भी देख ले कैसे। तू देख मैं के देखूं, इन्होंने तो कम मखत होना, कहाँ से ऐसी रकात पैदा होगी घर में? पता ना माँ, खाने की चीज की भी उत्ते ऐसे भगे छीन छीन के, जैसे ना कुछ मिलता ना होगी ध्यान को। और भर लो कर रखे तुमने तो उत्ते नाच गए, जन्म दुखी कर रखा। अरे माँ तू इधर को आ, इधर को आ। अब के है जलेबी जलेबी, ओहो जलेबी, ठीक करा सारे भीतर चले गए। जलेबी कटो मैं भी भुखते, ओहो जलेबी ले तू जलेबी खा, परे को मर जा तू ही खा ले। जलेबी जलेबी ना खाई तो जान दे मैं खाऊंगा। जलेबी जलेबी ओहो जलेबी, मेरा लड्डू मेरा लड्डू लड्डू। तुझे क्या लगा मेरे पे जलेबी होएगी ना? हटा परे को, ले खा ले खा ले ले थोड़ी सी। बस 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 तू ही खा इसे, मैं नहीं खाती। थोड़ी सी खा ले मेरे कटोरानी। थोड़ा सा खा ले, थोड़ा मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा, मेरे बच्चे खाएगा खाएगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा खा, खा गया मेरा राजा बेटा खा गया। थोड़ा सा मेरे हाथ से खा लेगा तो तेरे लिए गाड़ी लेकर आऊंगा। ना ना, हाँ, नहीं खानी नहीं, तू चाहता है ना गाड़ी, चलिए खा ले चल चल नहीं।
खा ले बेटा, पापा की बात मानते हैं ना। चल चल खा ले चल। राजा बेटा है मेरा, खाएगा सारी जलेबी खाएगा। नहीं खा ले, अच्छा थोड़ी सी खा ले, बस ये खाना है वन वन बाइट। खाएगा मेरा बेटा लड्डू खाएगा। अरे यार कल उसने रविंद्र भगत जी ने बुला लिया मुझे चौतरे पे। क्यों भाई? कह रहा मेरे ब्याह का योग बन रहा। अरे वो तो झूठ बोल रहा है, कितना योग बनाता फिर है। अरे 10 बार तो योग मेरे बना लिए। हाँ ऐसी कोई बात ना, वो जो कहे सही बात हो उस पर बाबा में। उसने सतपाल से गई तेरा लुंडा होगा, उसकी बहू का तो या ना सतपाल का हो गया। अरे क्यों बकवाद करे तीतर? अरे मैं बकवाद ना कर रहा। अरे राम भजन, अरे आजा भाई उरे को आजा। ये चवन्नी आज फिर नाना पीटिए बीटिए मत यार छोड़, कोई बात ना है। बैठ मेरी सुन राम भजन, अब तू ही रहेगा सुनने को, तेरी भी सुननी पड़ेगी हमें। ले भाई तू तो बुरा मान के खाम खाम, मैं तो नू कह रहा था। अरे रुको रुको मैं बताऊं भाई, राम भजन हरी रिश्तेदारी इतनी ज्यादा है, कहीं से हमारा जुगाड़ करवा दो। सही कह रहा, तेरा जुगाड़ बैठाना जरूरी है के? जब सबका जुगाड़ हो सके तो हम दोनों का भी जुगाड़ हो सके। जुगाड़ तो बैठा देंगे पर उसमें तो काटेगा के तू? अरे जो दुनिया काटे वह हम काट लेंगे। तेरी मूछ दाढ़ी बाल तो सारे सफेद हुए पड़े, खोखला हुआ पड़ा, तू काटेगा? भाई दुनिया को बालक चाहा तो हमें भी दो बालक चाहा। अरे वैसे भी अब तो सरकार कानून ले आई कि हर आदमी को दो बालक पैदा करने जरूरी है। हाँ तेने बहुत कानून पढ़े हैं। सरकार कानून क्या लेके आई है, दो से ज्यादा बच्चे ना हो। हमारी दो की व्यवस्था तो बैठवाओ कम से कम। अरे यू तो हमारा मौलिक अधिकार है। तेने बड़े कानून पढ़े के मौलिक अधिकार है। जा अरे भैया ये तो धरती दक। अरे जाजा मरो। अरे जाजा छोड़ी ना, बस की ना कुछ भी भाई। यू ना दिलवा में लुगाई, हम रडुए मरेंगे का। मेरे पारे व्हाट्सएप पे मैसेज। अच्छा के भैया के कैंप लग रहा है, जैसी मनचाही वैसी और छाट मिल जाएगी। हाँ अरे मेरा भी ध्यान रखी, एक बोतल का जुगाड़ करवा दे। चल यू भी सही रही, यू चवन्नी को बाद आती तर। चल चलो बागो, अपने गोरु तो मरते नहीं, इस कुत्रेड को मारे बाहर ही पावे खेलने के जगह। यहाँ दीप के जो मजे पकड़ के पाँ गड़नचे में मार दूंगे, एक बुग्गी बाड़ा करके घेर दिया संभालते है नी। ले टें ओ भाई वाटे आया, बटे था चल। हमें नहीं खेलना, बाप मैं हूँ, घर का मालिक मैं हूँ, तुम हूँ, ठीक है भाई चलो। हाँ हाँ अब आपकी बारी है। ये बात सही है, आपकी भी खुल गई। पाँच कहाँ जाना है मुझे? आप दोनों के तो 63 आ गए, मैं तो बहुत जल्दी घुसूँ। चलो 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 1 2 ठीक है। ओए तेरे बाप की बारी है। 1 1 में यहाँ था, 1 2 3 1 में यहाँ खुली, 2 3 में यहाँ आ गई। बेईमाना कहाँ से सीख आई हो तुम ये? नहीं बेईमाना नहीं कराए। 5 चालाक हो रहे हो, तो पहली क्लास में पढ़ रहे हो। देखो तो सही 5 आए हैं, मेरी बारी। चलो मेरी गोटी के पीछे क्यों लगा रहे हो? यहाँ आएगी बस। किसके पीछे लगूं? ब्याह के तुम्हें लाया हूँ, पीछे किसके लगूं अब? इन बीड़ी को छोड़ दे, हर वक्त बीड़ी में मजा रहे, बीड़ी पी पी के खुद ही बीड़ी सा हो रहा। सारी सारी बेमतलब की बात। अरे ब्याह तो मेरा पक्का ही होगा। क्यों ठीक तो है? ऐसा ना कर रहा जैसे कुत्ते के कान में कीड़े पड़ जाए जब नौकर के चले। अरे यू मोबाइल से दब भी जानु ही कान के तले। अरे उत्ते ना कैसे भेस बना रखा, अरे ना इस उत्ते को कुत्ते फाड़ते। अरे ऐसा ना कोई कुछ करता। कहाँ रह गया यू राजिंदर? राजिंदर आज चल लेंगे रे। चलो बापू ले ली। जाओ दिया उसे ना। आ बापू सैनक का सारा सामान ले लिया। हाँ ले लिया जा। अरे तीतर अरे कहाँ फुट गया रहा है? अरे दीवार में टक्कर लग गई। अरे ज्यादा तो ना लगी? ना मैं तो ठीक हूँ, दीवार गिर गई। अरे भाई दीवार कैसे गिर गई? अरे मैं तो जा रहा रास्ते में, मेरे पे मैसेज आ गया शादी डॉट कॉम वालों का। अच्छा मुझे लगा रिश्ता करते दिख गए, चाओ चाओ में दीवार दिखी ना, दीवार से टकरा गया, छूरा हो गया। मुझे तो लगा एक तो भेड़ बकरी भी दबी दिखी। अरे भाई ये शादी डॉट कॉम का मैसेज तो मेरे पे भी आया था। हाँ पढ़ा कभी? अरे भाई पढ़ाना गया, मैं कहाँ जानू मोबाइल चलाना। अरे मेरे पे तो तलाक तक के मैसेज आवे हैं। तलाक तक क्या मैं? अरे नू पता शादी हो जाएगी ना, हो जाएगी हमारी। तलाक तो मैं भी करवा दूंगा, शादी की गारंटी नहीं है। अच्छा सलाहकार। ले बापू ले दिखा। अः तेरी
ले बापू यू मनु शादी फेरागा यू मारे शुभ काम नहीं होंगे खाएगा पटक दूस है। अरे अब तो रहने दे, तू फिर देखिए। अरे चचा कहाँ चला? अरे कहीं नहीं जा रहे यार, तू बिना मतलब ही ठोक दे किसी भी शुभ काम पे हम जान तू गैली ठोक दे। अरे मैं कोई टोका टाकी नहीं करा चचा, तू खामा खा। अरे रंजन बता अभी कहाँ जा रहा? अरे हम पीर पे सैनक चढ़ान जा रहे, तू धार नहीं। मैं कुछ नहीं धार धूर लेता, पर मैं कह रहा हूँ क्यों खामा खा तुम पत्थरों में सिर मार रहे हो बिना मतलब? क्या हो जाएगा इससे? ओ भाई कुछ हो चाहे ना हो, तेरे पता हमने कुछ पूछा नहीं, तेरे पता हमने कुछ लिया नहीं, तो गैल चलन को नहीं गया, पर पता नहीं कि टांग जरूर अड़ा। अरे चाचा मैं टांग टूंग कुछ नहीं अड़ा रहा, बस नोई पूछ रहा हूँ, मेरी भी नॉलेज सी बढ़ जाएगी और के। अरे हम पीर पे सैनक चढ़ाओगे, घर में सुकुर शांति रहेगी, बालकों में वृद्धि होगी और सुकुर शांति रहेगी। अरे सुख शांति पत्थरों पे चावल चढ़ाने तो नहीं होनी, एक तो बालक रखो कम, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तब सुख शांति रहेगी। तुम इतनी सी बात समझते क्यों नहीं? तुम एक काम करो चचा, मेरी गैल आओ, मैं बताऊं तुम्हें क्या करना है इस चावल का। आ जा मेरी गैल आ। लेवा मरगी रहा सलाहकार। ले चचा यू सामान अपने सुभातोतर इस आदमी को दे दे, यू बेचारा गरीब है, इसके कमाने वाला नहीं कोई, राजेंद्र इसे दे दे दो। ठीक है थारो बच्चे हो, पांच चार बच्चे और हो जा बापू। ये तो चार पांच का आशीर्वाद और दे दिया, कर दूं के करता रहे तुझे कौन रोक। हाँ। ले आदमी चल। ले भाई बात वहीं की वहीं, बात आ गई सरक और गई, यहां तो आशीर्वाद मिले तो ऐसी मिले जनसंख्या बढ़ाओ। पापा जी ये गाड़ी छोटी हो गई है, मेरे लिए बड़ी गाड़ी लेके आओ। ठीक है बेटा लेके आएंगे चलो। हे भगवान कैसे पड़े हैं, कैसे लेटे हैं, नपुतों का जैसे कोई हो ना, देखो तो इन्हें जैसा इनका बाप वैसे ही बच्चे हैं। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो मैं इस घर में आ गई, मेरी तो मति ही मारी गई थी नास पीटे। ले ले बाबू, पापा का बेटा है, ले खा ले। अरे क्या है मायो? अरे घी शक्कर है, खा ले। अरे लामा खावेगी जब तन मन से जान पड़ेगी, तुम भी खा लो ना, तू खा सेहत बन जाएगी। अरे रे राजेंद्र अरे मारे जैसा दीवाना कहीं, इसे भीतर को बुलाओ, आज इसके गले में फंदा मैं ही घेरूंगी। आ जा भीतर को ही आ जा, आ जा। हां तो हम लिए। अरे राजेंद्र हर पैसे ना दे भाई। देंगे चवनीला, तेरे पैसे देंगे। कब देगा राजेंद्र? एक बात बताऊं, बालक तो तेरे बहुत हो लिए। तेरी बहू के चेहरे पर चमक लगता है भाई, चमकता है। जो इतनी देर से मुझे देखने लग रहा, तुम बैठे हुए देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ यार तुझे तो मैं ही देख सकूँ बस। ना तो मैं ना पता यू भुंडी शक्ल कैसे देख सके। एक काम कर, आज इसका पूरा हिसाब कर ही दे, वो जो बोरी जो धरी ना पैसे वाली। अरे तू पैसे मांगना आवे, हमारी बहू बेटी पे नजर मारना आवे। भाई मैं तो अपना कर्ज पटाने आऊं भाई। अरे मार दिया रे, अरे मार दिया। आ जा आ तुझे पैसे मेरे को मार दिया। क्या तेरे को पैसा? इतने सारे सारे पैसे दे रहे हैं तेरे को। अरे राम अरे राम अरे 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 राजेंद्र तेरा नाम सी चाहिए। अरे क्या बात होगी चमन भाई, तीसर दुनिया का दिन ईमानी पलट लिया।
राजेंद्र पे तगा देखो गया था। अरे मैं भी अपनी राह आ रहा था, मुखिया की खाट के तले कुत्ता पड़ा था, चिपट गया मेरे पे, मार गिरा मुझे। मुझे तो ऐसा लगे साला किसी ने बैठाया समझाएगा कि जब यो आवेंगे कुछ इतर इस पे चिपट जाइए। वो 20,000 रुपए ले गया राजेंद्र 2 साल पहले और 2 महीने की क्या गया। अरे जब जाऊं तक आज मैं जाऊं कह दे अगले हफ्ते ले लिए। आते ही छाती पे चढ़ गया, मुंह से मुंह मिला हुआ था, मैंने मुंह करवट को हटाए गया और जो पेट पे बुक मारा है कोई कोई करता बजा, ऑब्जेक्शन भी ना लगा कहीं उसके। जब पैसे लेने आया था तो कभी गाय की तरह आया था समझे, और बकरी की तरह मैं आ रहा था, और सांड की ढाल टूट के पड़ा मुझ पे, वो तो वो और उसके बालक सारे के सारे टूट के पड़े। उसकी बीवी, उसकी माँ, उसका बाप भैला पे भैला था, तोड़ दिया तितर तोड़ दिया, मुझे ऐसा लगा उसने पड़ोसी भी बुलवा रखे। अरे बच के तो मैं निकल गया था पर पीछे से आके टांग भर ली, काट के भाग ही गया, ना तो कल तो मैं उसकी ठीक कर देता, अब गली का कुत्ता डावरमैन के काटेगा बताओ। अरे तितर कुत्ते और इंसान में कोई ज्यादा फर्क ना रहा, कुत्ता तो फिर भी आसान मान लिया मगर आदमी ना आसान मानता। हाँ भाई चवन्नी मैं तो दरे करूंगा, अब एक लठ जहाँ दिख गया तोड़ूंगा साले का पिछोंडा, तितर को मान रहा दिख क्या वारा लोंडा। और सिंह तितर मैं राजेंद्र है, ब्याह में नौता भी ना तू। हाँ ब्याह? अरे चवन्नी कहीं से हो गया क्या जुगाड़? अरे मेरा भी बैठवा दे महाराज, सारे सावन सूख के निकल गए मेरे। अरे कहाँ बिद बैठी है तितर, और पूरा गांव ये बिदना बठन दे, और इस गांव की साली सट्टी बहुत है मगर हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। सोचेंगे तो सही, एक दिन जरूर सोचेंगे, और सोचेंगे थोड़े बारी देख लिए रिश्ते तो हमारे एक दिन मुंबई जैसे विदेश से आवेंगे। बच्चमन्नी हरकत तो तेरी 10 पैसे वाली है, पर तेने मेरी बात बहुत गौर से सुनी, सारा दुख मेरा अच्छे से सुना, बहुत बढ़िया। अरे भगवान तेरा भला करे तीतर, तेने ही मेरा दुख सुना है भाई। और चवन्नी कुत्ता? अरे चवन्नी कुत्ता कहाँ है? अरे चवन्नी तो कुत्ता जैसा हो ही रहा है राजेंद्र, तेरा नाश ही जाएगा। राजेंद्र हाँ एक बात बता। अच्छा इतने सारे बालक करने की तुझे क्या पड़ रही है? बे तू एक बात बता मुझे, पैदा करने वाला मैं और जप्पा काटने वाली मेरी माँ। अच्छा है? और भेली देने वाला मेरा बापू, और छूचक घर से आ जाओ उनके। अच्छा। शहर से मेरी क्या? हाँ। खाने को और मेरा भी काम चल जा। अच्छा। और घी आवे फ्री। तुझे परेशानी के है? मुझे परेशानी कुछ नहीं, पर मैं नहीं सोच रहा हूँ तुमने इतने सारे बालक पैदा कर रखे हैं, तुझे तो इनके नाम भी याद ना होंगे। नाम याद है? नाम क्यों ना याद है? गिल्लू, बिल्ला, ढिल्लू, सोनू, अक्कू, डिक्कू, टिंकू, अब बता बस सारे याद है। अरे यू जो लास्ट में पैदा हुआ उसका क्या नाम था? इसका नाम है गुला। गुला? यू गुला भी नाम हो, यू किसने धर दिया भाई? अरे यार पंडित तो पैसे लेता नाम धरने के, यू सारा काम मेरे बापू ने घर निकाल दिया। तारा बढ़िया भाई, तुम तो घर पे सारे काम निपटा लो। वो तो है। बताओ भाई पंडित को तुम 5 रुपए नहीं देना चाहते, और बालकों की तुमने लाइन लगा रखी है, और देश का तुम इतना नुकसान कर लग रहे हो। नुकसान करे हमें तो फायदा, हमें क्या देखना नुकसान, अपना अपना फायदा देखना। थारा ही के फायदा हो रहा, मुझे तो कोई फायदा नजर आ नहीं रहा। बहुत फायदे है, यू बात तुम्हारे घर जाकर पूछिया। अच्छा तेरे घर? और तेरी बहू बोलती तो है ना हमारे? बोलेगी बोलेगी ना, जब जब पे मिल गया बोल लेगी कैसे। हाँ जल्दी बोल, नए कपड़े पहनू नए धोएगा जल्दी कर जाएगा। क्या बात हो गई? अरे वो 4-6 आदमी घूम रहे गांव में, कभी मेरे पर नजर पड़ जाए मेरा भी जुगाड़ करवा दे ब्याह व्याह का, पर मैंने तो 2 जोड़ी कपड़े भी परेश करके रख रखे हैं। मैं भी परेश करवा लूं? तू अपने भी परेश करवा ले, तेरा कुछ ना होगा बुड्ढे आदमी। मेरा भी जुगाड़ करवा दे, तेरा तो नाश ही हो सके। अरे माँ जल्दी कर ले, मामा का जाना ही नहीं। देखिए माँ कितना शोर मचा रही है ये। आ जल्दी आ जा। आ जाओ चलो माँ चलो आ। अरे राजेंद्र, ओ राजेंद्र रुको एक बार, ओ भाई मारी एक बार आक्षी रह गए 2 छोटे। अभी आ जाओ आ जाओ, चलो चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो चलो बैठो बैठो। अरे यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओ
भाइयों सुन तो सही भैया, काम साल लग रहा है ना, मेरी भी सुन लो, अपने अपने हक पर लग रहे हो। बैठ जा। अरे कैक दिन को छोड़ का होगा इन्हें, मेरा जीना लगने का इनके बिगर। अरे लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, हो जाने, मामा के पड़े रहेंगे, थोड़ी सी शांति तो मिलेगी। बोल तू, मम्मा बुला रहे इनके, आ जाके रही एक दो दिन में। मेरी कट्टोर रानी। चल ठीक है, ओए ध्यान से ले जी बालकों को, मेरे के एक के भी चोट फैटने लग जा। चलो भाई बढ़ जाओ भाई, सारे बढ़ जाओ, बढ़ो। ओ भाई कहाँ बाड़े लग रहा है रकात को? साले ऐसा मारवा रहपटा रकात बता रहा, इतना मुंह तोड़ दूं मैं? बात ही खराब हो तो मुंह तो तू तोड़ ही देगा, पर इन बच्चों को बाहर काढ़। क्यों निकाल है, इसी में जाएंगे, क्यों चला रहा तू इसे? ओए मेरे बालकों को मत कह दे कुछ भी, ये सारे मेरे पोती पोते हैं, एक पड़ोसी भतेरा देख देख के जलता रहे, सारी दुनिया को मेरे ही बालक दिख रहे हैं, पैसे देंगे फिर ही ना ले जा रहा तू? ठीक है बैठा ले, पर 25 रुपए सवारी है। सवारी तो सिर्फ एक मैं हूँ, बाकी तो सारे बालक हैं। ये बच्चे हो गए तेरे लिए, मेरे लिए तो सवारी है। अरे चल ठीक है, तो वजन के हिसाब से ले लिए। और राजेंद्र सुनिए, अरे तो रह गए दोनों बालक। आजा आजा ले ले, बाड़ी ने भी बाड़ बैठा ले, इन्हें छोड़िया है। अरे तब ये भी जाएंगे क्या? ये पहले जाएंगे, फिर इसे क्यों छोड़ दो, इसे भी ले चलो। चाचा तो यो भी यो दूध पीवे, ये ना पीते दूध ना, ये तो सिर्फ खून पीवे। ऐसा मारूंगी कान पे, बालकों को जन के कहता था पागल। आराम तो ले जाइए, कदम ही आँख मीच के पिल्ले से। राम राम कह दे रहे अपने मम्मा को। अरे बापू करिए बात, 25 रुपए सवारी बता रहा हूँ। 25 रुपए के भा लगा रहा भाई तू? 25 रुपए कभी मेरे नहीं लगे, मारे बापू के नहीं लगे, तू इन छोटे छोटे बालकों के लगा रहा। ऐसा है बात, ठीक लगा ले, लेके चल। बताओ कुछ जोर जबरदस्ती तुम्हारी, इन्हें बालकों को थोड़ा तार ही क्यों तार लू, इसी में जाएंगे, क्यों चला रहा तू? ये नहीं जाने की चला रहा, चल नहीं लियो फिर राय से भी कर तेल के। आ जाओ तेल खत्म होगा इसका, चलो आओ नीचे उतरो। चलो राजेंद्र एक बार देख ले सारे आगे के, सारे हैं सारे, आओ बैठो बैठो। अरे अभी तो तू कह रहा तेल खत्म हो रहा, अब कहां से तेल आ गया इसमें? रुक जा, मैं तेरा सिर फाड़ा देना। खोल इसके कट्टा, चलो चलो हटो सड़क पर। अरे जान दे से, यू बड़ोस में अड्डे पे खड़े रहे, मैं तो वहीं ना फोड़ूंगा जाएगा भी, तू चिंता मत करे। अरे माँ मुझे पता है बड़ोस में रिक्शा चला है, आज मैं से वहीं फोड़ूंगा जाके। अरे इधर रुक आना, नहीं तो इसके ईंट मार के सिर फोड़ देती मैं। अरे भैया का चौथा बाल को उतार गया यहां मिलन दे से, मैं मारूंगा सुसरे को पकड़ के एक दिन। अरे राजेंद्र अभी मारे कितने बाल है? 9 है माँ, 9 है। तू एक काम कर, 3 बालक और कर। अच्छा, सरकार से हमें ट्रैक्टर ट्रॉली फ्री मिलेगी। अच्छा, फिर अपन इनको बैठा करेंगे कहीं घुमा कर लिया। माँ एक बात बता, जब 12 बच्चे पर सरकार ट्रैक्टर ट्रॉली दे रही है तो यूँ बता ट्रेन कितने मिले? अरे राजेंद्र इन्हें छोड़ दिया हूँ, फिर ढो दूंगा तुझे भी, ठीक है? चला जा परा को, इसको त्यासी को लेके भूली से कल को बना रहा, बता रहा। हमारे भी ट्रेन आने वाली है, डट जा, 2 साल पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली में लगे हमें और क्या। चलो रे घर को, चलो आओ आओ, चलो लेन लो ले सर, एक दूसरे कुर्ते पकड़ के यू ही दिखे। अरे पढ़ना क्या है, बैठ ले तू, आजा आजा बाबूजी। राम राम। राम राम जी। राशन कार्ड यहीं बने जी? हाँ जी यहीं बने जगह। एक राशन कार्ड बना दो। आपका ही बनेगा बाबूजी? मेरा कहाँ राशन कार्ड बन रहा, मेरा तो मृत्यु प्रमाण पत्र का नंबर आ रहा है, छोरे का बनना राजेंद्र कुमार का। परिवार के सदस्यों की लिस्ट दो। लो जी बाबूजी, हमने पेट्रोल के पटवारी के और इसके प्रधान के सबके साइन करवा दी और कोई नहीं राह दे रहा, तुम इसे बनवा दे। अरे इनका निबड़ना कहीं भी, तेरा बच्चे कम प्रधान पटवारी पेट्रोल कानूनों के साइन हो रहे भाई, इसमें तो तुम्हें वकील करना पड़ेगा राशन कार्ड बनवाने के लिए। तो अरे एक बात बता भैया, बीवी मेरी बच्चे मेरे, राशन कार्ड हम बनवा रहे, पैसे हम दे रहे, वकील के आधार कार्ड देगा इसमें? काम था रही है सारा, पर वकील करना पड़ेगा, हमारे बस का काम नहीं है, मतलब घना काम है। बाबूजी एक मिनट सुनो तो, दो जी देख ले एक बार, कुछ हो जाए तो। इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें 13 बालक है ले। बाबूजी मेरी एक बात सुनो। हाँ। बालक
सारे मारे हैं, ओरिजिनल है, फर्जी काम तो हम करते ही नहीं। मैनू कह रहा इसे बना दो, ये पटवारी कानू को ये सब कह रहे सारा कार्ड बनागा, गांव में भी सब कह रहे बनागा, पर पता नहीं क्यों इस मर्चन आ रही। मैनू कह रहा इसे बना दो, सारे बालक राजेंद्र कुमार के हैं, गवाह मैं हूँ। इसमें तेरा बच्चे नहीं बना कहीं भी, तेरा बच्चे भी तो बतावा है। नू भी कई प्रधान ने तो नुकेश में नीचे खाना छोड़ दिए, और भी नाम जुड़ जाने। छूट रहे भाई, खाली पड़ा, खूब भरी जाओ सलो। और तो फिर बना दे। नहीं मार पे, मार पे नहीं बना भाई, हमें नहीं जेल जाना। बताओ भाई, अरे ये अभी कुछ बात हुई, अरे वकील कर लो जी बाजी। अरे भाई राशन कार्ड तो ना बन रहा, यहाँ मृत्यु प्रमाण तो बन जा। हाँ जी, मृत्यु प्रमाण पत्र बन जा। हाँ जी बन जाएगा। तो एक काम करो, तुम दोनों अपना मृत्यु प्रमाण तैयार रखो, थारे सर पे कौवा बोल रहा है। जाओ चलो, भर के ही लाओगे। चलो भर के ले, तो पूरा खाली पड़ा जाओ। रचल तेरी माँ को पढ़ाऊंगा मैं, क्यों पढ़ाऊंगी तुझे? ना मैं बताऊं, चुप है, अरे मान जाओ, अरे मान जाओ, मगर मान जाओ, अरे मान जाओ, रुको रुको रुको, पढ़ाऊंगी जाओ, खा दी लगे किताब फाड़ने, चुप पढ़े जाता नहीं, पता नहीं तेरे कहाँ कहाँ आ गई, क्या करवा रखा है? ले जा तू ही, तू ही ले जा। पढ़ो। ले मैं बताऊं क्या बताना है, ले मैं बताऊं। मैम ने जो होमवर्क दिया था वो कर लिया आपने? मुझे दिखाओ होमवर्क, टाइम से कंप्लीट किया करो। ओके हटना, मेरी कटोर रानी। पापा पापा ना दिमाग खराब करके धर रखा, बता के क्या? पापा पापा फीस दे दो। जा कह दी मैडम से, कल देंगे फीस। कैसे मारेगी? उसके बाप का राजा के, उसका बाप कमा के धर गया है। उसका बाप क्यों देता? इसका बाप क्या मर गया? तुम दोगे फीस? दे दो चुप चुपा ले फीस। अरे इतनी देने वाली बन रही तो खुद दे दे फीस। मैं कहां से दे दूं? है ना देर पे, मुझे कोर्ट चक्कर करके धर रखे उन्हें, दे दे। हां तुमने बड़े दे रखे हैं मुझे। अभी नोटबंदी हो जा, सारी औरतों पे इतना पैसा लिखेगा, उनका बदल लिया इन्हें। मुझे कहीं ना पैसे देते, तुम कमाते तो हो ना। बकवास मत करे, जाओ परे को, रहने दो। पापा आप बाद में लड़ लेना, मेरी पहले स्कूल की फीस दे दो। अब दोनों इनकी फीस, फीस भी आ गया। फीस भी आती नहीं तो क्यों पैदा करके गए रहे इतने बालक? खुद तो पढ़ा नहीं, इनको तो पढ़ने दे। हाँ मन्ना के लेने बालक पैदा कर दिए होंगे, तेरे तो है ही ना, तू दे दे। मैं कहाँ से दे दूँ? तू के मुझे देवे कमा कमा। तेरे ससुर ने दिमाग खराब कर रखा मेरा। ए लाली सवेरी सवेरी सोन की सोनी तो करे मत ना, स्कूल में जाकर रो लिए, दिमाग खराब करके रख रखा मेरा। कैसे कंजर पेड़ उतार रखा तुमने, सवेरे सवेरे रोर आठ मचा रखा, थिएटर मचा रखा तुमने यू। अरे मैं थिएटर न कर रहा, थिएटर ही न करवा रखा यू। इसके सिर क्यों हो रहा तू? यू क्या कह रही है तुझे? हर वक्त इसके जिम्मे हुआ रहे। हाँ इसे तो मैं ही दिखती हूँ। अरे मैं ना कह रहा ऐसा कुछ भी, सारा सांग इसका रचा हुआ। इन्हें सवेरे सवेरे उठते ही पैसे चाहिए, बालकों को भी पैसे चाहिए, सबको पैसे चाहिए, कहाँ तले इतने पैसे, तल की तले फीस मांग रही है। फीस तो देनी पड़ेगी, मेहनत कर, मजदूरी कर, चोरी कर, कुछ भी कर, बालकों की फीस दे, छोरी की जाते ही तो तुझे पढ़ानी पड़ेगी। अरे माँ क्या करूँ मैं, तुम एक काम करो मुझे बेच दो। तुझे बेच के काम चल जाएगा हमारा, तू ही तो घर की एक प्रॉपर्टी है। मेरी डबकू क्यों कटू रही तू? इसका ना कोई एक पीछे का भी गाग। ओए तू बेफिक्र रहो, लगे रहो अपने काम पे, फाड़ा ठार खेत में चले जा, चल जा। कहाँ है फावड़ा? पहलवान। मैडम की हर बात माननी, कोई बात समझ ना आए तो मैम से पूछ लेना, ठीक है? और किसी बच्चे की चीज नहीं लेनी है, ठीक है? चोट नहीं लगवानी है खेलते समय। आप जाओ इसे बस में बिठाया, इसकी बस आगे होगी। ठीक है ठीक है ठीक है बेटे, तुम्हारी फीस हमने ऑनलाइन जमा करा दी है, रिसेप्ट तुम्हारी मैडम को व्हाट्सएप कर दी है, फिर भी तुम एक बार बता देना मैडम को। ओके।
सलाहकार अरे वही पैसे वाला लफड़ा सवेरी सवेरी मारे बालक पैसे मांगे लगे फिर घर वाली तो मैं पता ही है प्रधानमंत्री है फिर मारी माँ विधायक है तुझे मन्ने ठंडे दिमाग ते कई बार समझा लिया तू बात को समझता ही नहीं सलाहकार में खर्चा तो हो गई है जितने ज्यादा बालक उतना ज्यादा खर्चा अरे यार तू कैसी बात करे यू बालक होने ना होने अपने हाथ में है के? किसके हाथ में है ये है? अपने हाथ में ही तो है इतने साधन है यार तुम उनका इस्तेमाल नहीं करते ओ भैया मुझे पता तू क्या कहने वाला हम ये सिस्टम अपना के अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहते उन्हें यूज करके थारा धर्म भ्रष्ट कैसे हो जाएगा अरे उन्हें यूज नहीं करोगे उनसे बचोगे तो धर्म भ्रष्ट होगा जनसंख्या बढ़ती जाएगी काम काज कुछ है नहीं लोग चोरी चकारी डकैती करते फिरें अरे तू ज्यादा बड़ा प्रधानमंत्री तो मने मतना यार तुझे पता सरकार भी बालक होने पे 6,000 रुपए दे रही है अरे वो सरकार पे बालक पैदा होने पे नहीं दे रही वो बालक और जच्चा की देखभाल के लिए दे रही है इसका मतलब नु थोड़े ही है तुम बालक पैदा करते जाओ एक बात बताऊं तुझे अब सरकार ने कानून बना दिया है जेल में भी गिरेगी ज्यादा बालक पैदा करने अरे जब जेल होगी जब की जब देखी जाओगी डरा रहा है देखा कुछ नहीं जा परेशान हो जाएगा देख सोच तुम 5-7 बालक हो अपने माँ बाप के थारे माँ बाप गरीब रह गए 5-7 तुम भी गरीब रह गए अब थारे 5-7 तो के जो जो बालक होंगे वे सब गरीब रह जाएंगे अरे बात को समझो फिरोगे नहीं तो दो को समझा रहा हूँ भाई ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूँ अरे तेरे रोक के रुकेगा के यू तो होके रहेगा जब बालकों के धोरे ना कोई काज होगा ना काम होगा और खर्चे बराबर होंगे के करेंगे वे इसी राह पे चलेंगे फिर अरे ओ किशन यू बालक रुकवाने ते न्यारा और भी कोई भाषण है तेरे धोरे के नहीं अरे चचा यू भाषण नहीं है यू समय की मांग है इस बात को पहचानो जनसंख्या कंट्रोल करो नहीं तो सारी चीज कम पड़ जाएगी और इस धरती पे हाहाकार मचेगा सरकार के काम आवेगी फेरवा देगी खान को अरे चचा सरकार भी कहाँ तक देवेगी खाने को खान को ना देगी तो काम तो देगी अरे चचा सरकार भी कहाँ तक काम दे देगी उसकी भी तो एक लिमिट है तम के चाहो तम नू चाहोगे महारे बालक दाने दाने को भटके बूंद बूंद पानी को तरसे हर चीज की न्याय यहाँ महाभारत हो महारे बालक कटोरा लेके भीख मांगते फिरे कल नू ही चाहोगे तम यार एक बात बता मेरे एक आदमी के बालक कम पैदा करने से जनसंख्या में कुछ फर्क पड़ रहा है ये इतने लोग इतने पैदा कर रहे हैं अरे राजेंद्र तू अपनी बात करना तने सारी दुनिया का ठेका थोड़ी ठा रखा तू अपने आप को सुधार ले बाकी दुनिया अपने आप सुधरे बखैर नु तो कोई नहीं चाहता अरे नहीं चाहते तो इस बात को समझो ना अरे किसन के बच्चे तू फिर भाषण देने लगा दिखे तुझे हमें मिला है मूंड मारने को और ना मिलता है कोई गांव में अरे चाची तुम मेरे पड़ोसी हो सब तो बढ़िया पड़ोसी हो जब मेरी तम नहीं मानते तो सारा काम क्यों सुनेगा मेरी ए? अरे हम तेरी सारी बात सुनेंगे पर यू बालकों वाली नहीं मानने हम तेरी एक भी बात तू तो लेवेर मेरे बालकों को कहने लग जा अरे जो से मुँह को रोज ठाके यहाँ आ जा हमारे दौरे अरे चाची जो तो यू बालकों वाली बात मान ले तो मैं दुनिया की फिर तुझे कोई बात नहीं बताऊँ ना उनकी जरूरत पड़े और जो तू सारी दुनिया की बात मानती हो और यू एक एक बात को मत मानने तू फिर उन बातों का कोई फायदा नहीं हम न माने तेरी कुछ भी तू अपने घर को जा लेवेर इस सूतड़ी को उठा के मारे दरवाजे पर खड़ा हो जा रोज मारे बालकों को करता रहा कड़कड़ पता ना मेरे बालकों को जिंदेगा जन ना जिंदा यू चाची मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना समझना ना समझना थारी मर्जी मेरा अरे हम समझ रहे तू अपने घर को जा अरे समझ में आओ ना हम के ससुर किसकी मान रहे बकवाद कर रहे राजेंद्र लोंडिया से कौन आ रही थारे लोंडिया बता रहा बहू है मेरी तेरी बहू मतलब बहू तो अरे बहू है ब्याह के लाया हूँ और तुम क्या कर रहे हैं बैठे बैठे तेरे तो पूछ के ही कर रहे हैं कि हम सारे काम कहाँ बैठे हैं कहाँ खड़े हो मेरे यार सर मत तई ना रखवाली कर रहे हैं हम तेरे की डाल के सो अंडे गलू में पूछते कौन कहाँ आ रहा अरे तू के ले बाहर से तुम्हारे घर में ताक का झांकी करता रहे पहले तो तुम्हारे बाल को क्या करा था अब मारी बहु बेटी पर नजर मारन लगा तू जज है थानेदार है दरोगा है मजिस्ट्रेट है क्या है तू अपना रास्ता ना ब्याह के लाए बहु है मारी बता ब्याह के लाए और वो पहली बहू अरे उसके 14 बालक हो लिए थे फेरू आगे नखरे करने लगी मैंने उसके बाप से कही मका अपनी लोंडिया को ले जा और इन सारे बालकों को भी ले जा या मेरा दूसरा ब्याह करवा दे वो डर गया इतने बालक पालने बस की थोड़े ना सबके
फिर उन्होंने करवाया दूसरा ब्याह। और एक बात बता, तू धार लेके अपने घर को क्यों ना जाता? तहकीकात कर रहा है यहाँ तेरा ससुरा। 14 वाला गुस्सा करवाए, 14 हिस्सा करवाऊंगे। अरे मेट्रो ले आऊंगे, मेट्रो आगे तेरी समझ में ना आए। हाँ हम मेट्रो लेंगे। हाँ अब इसके 14 कर दियो, फिर तीसरी ले आइयो, फिर चौथी ले आइयो। सारी लड़की थारनिया ने बैठी है इस समाज की। इरे बुंडे कूतड़ी के करम देख, मारे करम किसी के एक बहू न मिलती, मारे दो दो आ रही है। जरूरत पड़ेगी तीसरी ले आऊंगे। तू बता तुझे क्या परेशानी हो रही है? तेरे घर खाने जा रहे हैं ये, तुझे सता रहे हैं किसी चीज में, नू बता दे। अरे तेरे के चिड़े, तू हमें यह बात बता। अरे समाज में लड़कियों की इतनी कमी है, लड़कों को एक बहू नहीं मिल रही, और तुम यहाँ दो दो लियो बैठे। सुनाई नहीं तुझे, हम तो लावेंगे, हम तो मेट्रो ले आऊंगे, मेट्रो। क्या ही बेर बता दी तुझे? अरे चाची, तुम्हें दूसरी बहू की जरूरत के पड़ रही थी, थारे 14 बालक हो तो लिए थे, तुम्हें शांति नहीं मिली? अबे 14 हो लिए थे तो के हो गया, अभी तो हम और करेंगे। अरे तुम्हारा दम देखना। ओ भाई किशन, तू बिना मतलब हमें देख के जड़े। राजेंद्र की माँ ठीक कह रही, मेट्रो हमारा आने ही वाली है, और तेरे वाले छोरे को ही देंगे सबसे पहली नौकरी। तेरे वाला इंजीनियर है, ये उसमें ड्राइवरी कर लेगा, ठीक है? और नू ना करा करते जो कर तू कर रहा। किशन तेरी समझ में ना आ रही? अरे जब मेट्रो मिलेगी ना, अगली सीट पे बैठा पहले तुझे ही बैठाऊंगे, तू टेंशन ना ले। तेरे ससुरे ई रिक्शा को मेट्रो बता रहे, रिक्शा लाओगे तुम? अरे ये मारे कर्मों से जल रहा, अरे नू ही जल जल के कोयला होता रहेगा, कुछ तो काला है ही, और जल के काला हो जाओगा, और हम नू ही फलते फूलते रहोगे, भोकन देना ही सफर है। हाँ फलते फूलते रहो, तुम फूल फूल के सारी धरती को कब्जा लो। अरे हम सारी दुनिया कब जाओगे, तू बता क्या करेगा? अरे तू अपने घर को जा, तू धार ले रहा है यहाँ, तुझे पूछ रहा है यहाँ कोई, चल निकल तेरा ससुरा। अरे किसान हमारे बालक तो पढ़ रहे ना, तेरा बालक तो पढ़ रहा, अरे तेरा ही चला कर ले चला करेगा मेट्रो, तू काहे को टेंशन ले रहा? हाँ तेरे को ड्राइवर बना देंगे हम, नौकरी देंगे उसे। जा जा निकल जा, भतेरे सिमझा लिए थे। अरे इस मार्ग में तेरे ब्याह के लड्डू ना देखा ही, मुझे पता ही ना, तू सैकड़ों बात पूछता ना, की लंडू सामान रे अपने आप। अरे बापू हाँ, मेरी समझ एक बात आवे। बता। इसे जो भी होता होगा देखा जाएगा, इस साले की सोल बैठा लो पहले। इसकी भी सोल बैठाओगे, बालक बड़े होने लग रहे, बैठा दे। चल देखता जा, ये तो याद कर ले तू, पर यू नु जल जल कर मर जाएगा, आओ अंदर पर। चलो बता, देखियो क्या तरह की सब्जी धरी है, अरवी धरी है, आलू भी धरे हैं, प्याज धरी है, हरी मिर्च धरी है। हाँ सारी चीजें, दाल का पानी बना के धर दे, ये सब्जी पता ना क्यों ना बनाती। तेरी समझ में ना आवे, बड़ी बात थरी समझ में आती नहीं। राजेंद्र तेरी तो समझ में आ सके, इन बालकों को तू वे बात बताता क्यों नहीं? कौन सी बात? अरे ये किशन वाला घर मारा ही है, मारा दादा दे के गया था इनके दादा को रहने खातर। अरे बापू क्यों झूठ बोल रहा, और क्यों तू मेरे पे झूठ बुलवा रहा? यू घर इनका दादा लाई ना के। अरे नु तो मुझे भी पता की नहीं की है, पर तू समझ नहीं रहा, मारे बालक तो हो गए घने और जंगा है थोड़ी। और तो के तू समझ नहीं रहा? अरे जुकर मैं तुझे समझा रहा, तू इन बालकों को समझा, ये अपने बालकों को समझावेंगे। अकियो मारा ही है, अरे झूठ भी बोलता बोलता सच हो जा कर। तुझे एक बात बताऊ, बालक तो है घने, जंगा है थोड़ी, आगे न चाहगी नहीं। अरे जैसी न जरूरत पड़ेगी, आदित्य ही कुछ तो ले मरेंगे। अच्छा यू बात है, तो फिर एक काम कर, बुलाई न सारे को, तू ही समझा दे। अरे बुलाए न सारे को, मुझे तो इन्हें कुछ और भी बात समझानी। अच्छा हाँ। ओए, सारे उरे को आओ, यहाँ बैठो, बाबा के मंत्र सुनो जो ही सुना रहा, बैठो 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 बैठो, ए ढंग से बैठ, जुकर मैं कम्मा वा बात सुन लो, और धुरलो के नाम की सुन लो, समझ गए? काम आवेंगी ये बात थारे सारू के, आराम से बैठ और ध्यान से सुनो मेरी बात, के कह रहा मैं। पप्पू मुझे एक बात बता, तुझे ही नहीं इतनी समझाने की जरूरत के है, जब ये लेने पाओगे तो रेहपटे मार के ले लेंगे, मार तो घने सारे उसके तो एक ही है, वो क्यों उखाड़ेगा? तू बात ही नहीं समझ रहा, अरे रेपटा जिम मारेंगे जिब इनके दिमाग में बात होगी कि यह चीज मारी है। हाँ यू बात तो है। हाँ और के समझा रहे मैंने, यही तो बात समझा रहे। हाँ भाई यही बात मेरे बापू ने और मेरे बाबा ने समझाई थी, मन्ने आज तक मार नहीं खाई, अब गौर से सुनो के कराई बुढ़ऊ के उल्टे सुधे पाड़े पढ़ा रहा है इन बालकों को, कभी खाने कमाने की भी बात बता, देख रहो इन्हें उल्टी सीधी बात बताते रहो। खाने कमाने कहा बता, मैं ये
ये तो इन्हें नए नए नुक्ते बताए जाओ। इन पर गणे नुक्ते आवे ना तो घर में एक पूछ रहे ना दो खोड़ते है ना वे रहे उन्हें भी बेच के चाट गए अपने इन्हें बताएगा नुक्ते चची घनी अकल धरी है नुक्ते बताने की। अरे माँ तुझे ना पता बापू धरे बहुत बड़े बड़े नुक्ते जो बालक इसके नुक्ते सीख लेगा वो कभी मार नहीं खानेगा। ओए बालको पहले तो तुम सारी एक बात ध्यान से सुन लो। यू जो किशन का घर है ना मारे दादा ने इन्हें दिया था रैन के नाम का और यू है महाराई। ओए बालको एक बात और ध्यान से सुन लो ध्यान चुगर दे गुरु आखना मुफत में जहाँ कहीं कुछ भी मिलता हो वहाँ हर सूरत में जाना। सुन गया बोले तो कह रहा और घरू चाहे कितना भी जरूरी काम हो वो होता रहेगा पर वहाँ अड़े रहो। और हाँ एक बात और चाहे तुम्हें कोई खदेड़े भी तुम वहीं डटे रहो चार चार बेर लो खाओ भी और घर को भी ले आओ। हाँ अरे थरा बापू ठीक कह रहा इससे भी बहुत सारा लगे। ओए अलन एक बात सुन जानते छेड़ने से एक बात या सुन लियो सारे ध्यान ते जो थारे कोई थोड़ी सी भी चोट मार दे खप्पर से भर दो जन नाइट काट दियो। ओए तुम भी सुनो अगर थारा 2 रुपए का नुकसान होता हो तो 100 बताओ और जब तक वो कम से कम 50 रुपए ना दे दे जब तक खप्पर भरो किसी की ना सुनो फैल जाओ। और सुनो रे चाहे हमारे घर में कुछ भी ना हो पर बाहर ऐसा बन के लिख लो जैसे तुम यहाँ के बादशाह हो समझे आगे समझ में। और दूसरी बात या ध्यान रखने की केले कहीं फंस जाओ तो बिल्कुल मत लड़ियो जो वो तुम्हें केला कहीं फंस जा तो बिल्कुल मत छोड़ दियो या बात भी ध्यान रखनी सारू को। अगर थारे में से किसी से कोई भिड़िया तो उस पर सारे टूट पड़ो सारे चाहे गलती अपने वाले की क्यों ना हो ठीक है। बिल्कुल सही कह रहा तू पीठ क्या कदी नहीं आना अगले को पीठ क्या हो उसी से ही खोप बैठे आगे बात समझ में। अरे समझ रहे इन बातों को अगर बापू की बात थारे दिमाग में बैठ गई तो तुम कदी मार नहीं खाने के मैं कदी पीट के नहीं आया मन ने अच्छे अच्छे को पिटा और तुम तो घने हो मैं तो अकेला ही था फोड़ के आया हूँ खुन्नम खून कर दिया मन ने कई आदमी। एक बात और सुनो तुम्हें कदी खर्चे की चिंता नहीं करनी सुन गया। हाँ जब मांग के खाना तो काय की चिंता करनी सिखा दो अपने ने जो सिखाना पता नहीं के कैसे खान लग रहे मेरे बालकों को मरवाओगे क्या इन्हें कहीं। बहुत तो चुप रह लेकर इन बालकों को कुछ सिखा लेने दो बीच बीच में बोल लू जा। ओए बालको एक बात सुन लो जो तुम्हें किसी पे तक कुछ लेना हो तो रज्जी बोल के लिया करे मिलेगा और जो कोई तुम्हें कुछ दे दे फिर वो उल्टा देने की कोई जरूरत नहीं यू सारी दुनिया का माल मारा ही है इस बात को दिमाग में धर लो सुन गया इब समझ गए सारे। इब नू बताओ मैं के बताया तू बता रहे टोटे पहले कभी पिट के नहीं आना ठीक है और तू बता के बताया कई फ्री का बट रहा हो वो कई कई भर लेना चल तू भी ठीक है। हाँ बोल ले सुनता नहीं बेटी चौध समझता ही ना जुकर बता मैं जो कोई लड़ेगा तो हम सारे उसे मिलकर पीट देंगे ठीक है चल। पर हाँ सुनिए कहाँ चले कहाँ जाओगे खेलने बताओ जोड़ पे खेलेंगे। और हाँ सुनो वहाँ रघुबीरे के घेर में 2-3 पेड़े अमरूद के लग रहे हो तो लेकर आइयो जरूर जो मताओ मिला। अरे तो थोड़ी देर वहीं बैठ जियो और एक काम कर अरे थैला से ले जाओ उसे भर के ले आओ जा रहे हो अलन झोला लिया जा ये ले तू सब्जी बना ले इनका तो यूं ही राग चलता रहेगा और ढंग की सी रांध ले रोज दाल का पानी दे दे घोल के। देखो प्रिया कितनी प्यारी बात लिखी हुई है। उज्जवल तुम भी सुनो अभी से होमवर्क तो कर लेन दो। अरे मैं भी होमवर्क ही करा रहा हूँ फर्क कितना है बस तुम उसे बच्चे का होमवर्क करा रही हो और मैं पेरेंट्स का होमवर्क करा रहा हूँ। चलो पहले आप ही बताओ हम आप ही की बात सुनेंगे। चलो बेटा पापा की बात सुनो। सुनो जीवन में सुखी रहने के मंत्र नंबर 1
जीवन में सहनशील बनो। हम सब में धरती जैसी सहनशीलता होनी चाहिए, समझ गए? मंत्र नंबर 2, मंत्र नंबर 2, पैसे का चाहे जितना घाटा हो जाए वो घाटा घाटा नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्ति हो जाया करती है, लेकिन हमें स्वास्थ्य और चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों घट जाते हैं, ए बच्चे उज्जवल सुन लो, अगर चरित्र और स्वास्थ्य घट जाते हैं तो इनकी पूर्ति बहुत मुश्किल होती है। मंत्र नंबर 3, सुनो उज्जवल, ये गांठ मार लो, जो चीज हमारी नहीं है वो हमारी नहीं है, उस पर अधिकार जमाना पाप है, लिखा है किताब में। मंत्र नंबर 4, किसी को देखो किसी भी चीज को पाने से ज्यादा उसको त्यागने में आनंद आता है, हैं? जैसे पैसा है, पैसा जब हम खर्चते हैं तब हमें उसका आनंद मिलता है, सही बात गलत? अब आगे सुनो, देखो मंत्र नंबर 5, पूरा संसार अपना परिवार है, संसार के सभी मनुष्यों को अपने भाई बहन जैसा प्यार करो, मतलब सबको वैसे समझो जैसे हम अपने परिवार वालों को समझते हैं, ठीक है? मंत्र नंबर 6, धोखा देने से अच्छा है धोखा खा जाना, क्योंकि धोखा खाने वाला केवल एक बार धोखा खाता है, लेकिन जो धोखा देता है वह अपना जीवन ही नष्ट कर लेता है, है ना अच्छी बातें? अब आगे सुनो और देखो, अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो वहां भी शांति स्थापित करनी चाहिए, ठीक है? पहले पता करो गलती किसकी है, जिसकी गलती है उसे भी समझाओ और जिसकी गलती नहीं है उसे भी समझाओ, तभी शांति पैदा होवे है, ठीक है? समझ गए उज्जवल? हाँ जी। ये सच है, कभी भी किसी दूसरे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अपनी चीजों की हिफाजत जरूर करनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं हम अपनी चीजों को लूट जान दें, समझ गए? हाँ बेटा, कभी किसी को धोखा नहीं देना है, किसी से लड़ना नहीं है, सब अपने ही भाई बहन हैं। हाँ बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, देखो सारा संसार सुखी रहेगा तभी हम सुखी रहेंगे, समझ गए इस बात को? सुन ले बेटा, ये बात ध्यान रखोगे तो खुद भी सुखी रहोगे और बाकी भी सुखी रहेंगे, ठीक है? हाँ पापा, हमारी मैम भी स्कूल में सिखाया करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओके, समझ गए हो तो फिर अपना होमवर्क करो, मेरा होमवर्क कंप्लीट, ठीक है? अब कराओ इसे होमवर्क। चमन्नी, कल मेरे रिश्ते वाले आए थे, लड़की की फोटो भी ले रहे थे, लड़की बहुत सुंदर है। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैंने मना कर दिया। अरे तन्ने मना कर दी, अरे मेरे रिश्ते की बात चला देता भाई। तू बात तो पूरी सुनता नहीं, बीच में टांग अड़ा दे। अरे भाई, पहले तू अपनी सुना, हम तेरी सुनेंगे। बस पैसे की बात पे बात बिगड़गी। अरे पैसे तो मैं दे देता, जितने तुझे चाहिए थे। कितने मांग रहे थे पैसे? एक लाख। अच्छा भाई, एक लाख तो मैं दे दूंगा, एक लाख की कोई बड़ी बात ना है। नू बता, बात तो पक्की है? हाँ बात तो पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं, आदमी जैनून है, लड़की जैनूनी। भाई चील सुन मेरी बात, तू तीतर की ढाल मत कर दिए, वाने फेसबुक से व्हाट्सएप से मेरी बहू दिवाई, मगर बहू आज तक नहीं एक भी। अरे चमन्नी, तू तीतर में और चील में अंतर नहीं जानता के? अरे जानू तो हूँ, जब ही तो तेरे से बात करूँ भाई। बस तो नू ही देख ले तू, चील की जुबान पक्की है। अरे तुम्हारी भी बात पक्की है, एक लाख रुपए तुझे मैं दे दूंगा, तू टेंशन मत मान, मेरी बात करवा। भाई बात तो मैं करवा दूंगा, पर तुझे तो पता ही है सूखे गले मेरे पे कोई बात होती नहीं। अरे चील घबरा क्यों रहा है, शाम को घेर में आ जाइए, गला भी तर करवा दूंगा, और बता। और तो अब घेर में सांझ को आके बताऊंगा। तो बात पक्की है? हाँ। चल तो ठीक है भाई।
आराम से खेल रहे? हाँ खेल रहे, ढंग से खेल रहे, ऐसी कोई बात। अरे चचा रास्ता घेरो बैठा रहे तू, आने जाने वालों की नहीं तो रास्ता छोड़ दे कर। अरे बालक खेल रहे, खेलन नहीं देता के तू इन्हें, कितने एक राह चाहता जाए। मुझे तो कुछ नहीं रास्ता चाहता, पर तू क्यों रास्ता घेरो बैठा रहे? बता बे रास्ता घिरा बता रहा, बालको जाओ रे तुम सारे भीतर। जाइए ना, जाओ पहले इसकी सोल बटाऊ। बता हो गया रहा? हाँ होगा, चला जाऊंगा मैं। अरे तू यूं के पेड़ से ठाई फिर सवेरी सवेरी? अरे पेड़ नहीं पौधा है, पौधा आज पौधा लगावेंगे तो सालों में जाके पेड़ बनेगा। हाँ चलेंगे सारे चलेंगे, पर पीछे बता कितने कितने देगा। अरे चचा पौधे लगाने के पैसे नहीं मिलते, ये तो देश का काम है, समाज का काम है, इसमें तो पौधे मिलेंगे लगाने को। अरे यू श्रमदान है। दान कर हमारा के काम, हमने कभी दान नहीं दिया, हमारे बापू ने कभी दान नहीं दिया, हमारे दादा ने कभी दान नहीं दिया, और तो और हमारे परदादा ने कभी दान नहीं दिया, हमारे तो बड़े कह के मरे, कभी दान ना दे दिए। क्यों बापू तुम्हारे पर मेरे बालकों पे दान दुआन लग रहा? अरे कोई पीछे दिल्ली कुमार का जुगाड़ हो तो वो बता, और हमारे यहाँ दान देने का तो रिवाज ही नहीं है कोई। हाँ थारे यहाँ तो पता ना कैसे कैसे रिवाज हैं और कैसे कैसे रिवाज ना है। मैं नू कह रहा हूँ तुम 24 घंटे पैसा ही पैसा करो हो, कुछ काम ही समाज की नियाबी कर ले करो। प्रिया समाज में खान को दे रहा के हम फालतू भी रह गए, प्रिया काम के बदले में दान मिल रहा हो तो बता, नहीं तो अपना काम कर। क्यों बापू? अरे मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं के कह रहा हूँ तुझे, पर मैं नू कह रहा हूँ चाचा जितने थारे बालक हैं कम से कम उतने पेड़ तो लगा लो, एक के हिस्से में एक पेड़ तो आ जावे। आज फिर बाल को क्या लगा दिखे है यू? भाई मारे बाल को पे दांत ठाए रखे है यू। भाई किशन तू आज अपने जी की बता दे, तेरे जी में क्या है? तेरी सोल बैठा मैं पहले। अरे चाची मैं बालकों को कुछ नहीं कह रहा। अरे पेड़ ठाए फिर रहा यू, नू कह रहा पौधे लगाओ पौधे लगाओ, पता ना के बात है। कह रहा यू सारे बालकों को ले जाओ चले जाओ। ए भैया किशन कितने कितने पैसे मिलेंगे? सारे चले जाओगे मारे तो बालक। अरे चाची पौधे लगाने हैं पौधे, यू समाज का काम है, इसमें पैसे नहीं मिलते। हाँ फ्री में पौधे जरूर मिलेंगे लगाने को, चाहे दो चार घर को भी ले आइयो। अरे इन पेड़ पौधों में के हम आग देंगे, हम के करेंगे उन्हें घर ला के, ऐसे ऐसे काम लेकर आवे हम हारनियो। तू के मान रहा हमें? कामों का उल्टी सीधी बात बता रहे हैं। अरे मैं तो तुम्हें बहुत बढ़िया मानो बैठा हूँ, जो तुम बन के दिखा दो दो चार पौधे ला के घर में लगा लोगे, घर की शोभा बढ़ेगी, हैं शुद्ध सांस मिलेगी, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, पत्ती मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, हैं और सबसे बड़ी बात शुद्ध हवा मिलेगी ना। ओ भाई तू हमें घने भाषण तो दिया ना करे, मिल रही हमें सारी चीज तजे हमने हजार पर कह भी लिया। अरे चचा मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ, सरकार फ्री में पौधे लगाने को दे रही है, हैं? आज इतवार का दिन है, बरसात का मौसम है, वन महोत्सव चल रहा है, दो चार पौधे लगा लोगे तो समाज का कुछ भला हो जाएगा, चलो। अरे तू बकवाद मत करे, हम ख्याल ली ना, हम जा रहे हैं मूली पाड़न, तेरा ससुरा तलकी तलक बकवाद करा, अरे अपने घर को जा, हम तेरी तरह ख्याल ली ना। अरे तू तो इन बाल को अधिकारी बनाता कहिए था, और ले जान लग रहा तो मूली पड़वान। अरे हम तो मूली भी पड़वाऊंगे, गाजर भी पड़वाऊंगे और मेथी भी कटवाऊंगे, तू के ले हमारे बालको से, तू धार ले। अरे चाची यू ही तो थारी भूल है, ये बालक तुमने पैदा जरूर करे हैं, पर ये थारे हैं नहीं, ये सारे समाज के हैं, इन्हीं ते समाज बनेगा, इन्हीं ते समाज बिगड़ेगा, इन्हें पढ़ा लिखा लो, कोई ढंग का काम करवा लो इन पे। हाँ अरे हमारे लिए तो मूली पाड़ना काम बढ़िया, उससे पैसे मिले, तू बता के करे और तू अपने घर को जा। क्यों बापू? अरे तोड़ने पाड़ने का काम सीखा तुमने, कुछ बो भी लो। तू इतनी बार ते पाड़ना पाड़ना कर रहा, असा हमने के पाड़ दिया? तुम पाड़ने की बुझ होके, कल वे नगर निगम वाले सड़क के सहारे सारे पेड़ लगा के गए, हरे बालक सारों को पाड़ आए, बताओ के मिला इन्हें? अरे शहर में ऊंट बदनाम, इस गांव में कोई गलत काम कर दो नाम मारो का याना, और सबसे पहले तू नाम ले उनका। अरे थारो का नाम ही नहीं आता, ये करते हैं ऐसे काम, और तुमने सिखा रखा इन्हें, हैं? सच्चाई तो तुम देखना ही नहीं चाहते। बात को मान लो, पेड़ लगा लो, ये मूली पाड़ना गाजर पड़वाना यू आज पैसा देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दे। पेड़ लगा लोगे तो यू पैसा भी देगा, सांस भी देगा और रोटी भी देगा। देख के उल्टे पाड़े पड़ा रहा यू हमें, पेड़ पैसे पैसे झड़ जाएंगे, रोटी झड़ जाओगी, जो उनसे हमारा पेट भर जाएगा, बात बना रहा। अरे चाची जो यू बात थारी समझ में आ जावे तो रोना ही काहे का है, तुम्हें करना तो कुछ है नहीं, चीज तुम्हें सारी चाह है, लकड़ी तुम्हें सबसे ज्यादा चाह, तुमने वे लठ ला के धर रखे, तुम्हें फल भी चाह है, बताओ। हाँ देखे क्या मारे थे तू, टोकरी भर के फल धर जा। अरे फल नहीं खा रहे तो कम से कम सांस तो तुम ले ही रहे हो, सांस की न्याय एक आध पेड़ बोलो, थारी समझ में नहीं आती बात? अरे हमारी समझ में ना आती तो ना आती, तू के समझा रहा हमें? अरे तू अपने घर को जा,
हमें तू ही ना जीन दे रहा। के कह रही चाची तू, मैं ना जीन दे रहा या मुझे तम ना जीन दे रहे हैं? पेड़ लगावे हम और ऑक्सीजन पी जाओ तम, तुम्हें पेड़ लगाने को कह लगो तो तुम्हें पैसे चाह हैं? मैं थारे हाथ जोड़ू थारे पाँ पकड़ू, पेड़ लगा तो हम ही लेंगे, बस तम इन्हें पाड़ो मत। अरे हम तो नहीं पाड़ेंगे, तेरे पे रुकते हो तो रोक ले और पेड़ लगाओ, एक नहीं तेरे पे लगवाए जा तो लगवा ले। अरे राजेंद्र नू तो मुझे पता करोगे तो तुम अपने मन की, पर मैं तुम्हें नू कहूँ उतने पेड़ तो कम से कम लगा लो जितनों की लकड़ी में थारा अंतिम संस्कार हो जा। देखो ए घना ना बोलिए, अंतिम संस्कार का वारा हमारा ठा क्या पटक दूंगा, मत ना मेरे हाथ उठावे। क्यों बापू, बापू पटक खा गए जा। अरे किशन जा चलिया जा, लगा ले अपने पेड़े वेड़े से, क्यों मारे हत्थू को दुख दे रहा ना। राजेंद्र के हाथ कुछ हो जाएगा भी। मैं तो जा ही रहा हूँ, पर तुम्हें बता रहा हूँ या तो पेड़ लगा लो नहीं तो एक दिन पछताओगे, बनाओगे तुम इस हिंदुस्तान को रेगिस्तान। अरे हम ना पछतावे, तन्ने ठेके ले रखे सब काम के, तू ही करता फिर, हमें ना इतना टाइम। आ भाई चल, चलो जा पिट जाता बच गया, बापू से मारूंगा जरूर एक दिन मैं। मम्मी ने मम्मा को फोन करा, आज तो मम्मा होगा, आज नहीं आवे मम्मा, जो आवेगा तो चिज्जी लाऊगा। मम्मी ना मानते, और जो आवेगा चिज्जी नहीं लावे, और जो आवेगा हमारे ही कुछ खा ना जाएगा, और जो आवेगा साथ भी चला जाएगा। मम्मी मामा को बुला लो ना। बेटा मामा को बहुत काम है ना, मामा इंजीनियर है ना, फुर्सत होगी उनको वो अपने आप आ जाएंगे। नहीं मम्मी, मामा को फोन करो, और क्या हो मामी को लेके आ जाएंगे, मेरे को उनसे बहुत सारी बात करनी है। चलो ठीक है, फोन करूंगी। ठीक है कह देना, मेरा मिलने का मन है। ठीक है कह दूंगी, अब आप जाओ होमवर्क करो। रचील नू बता केरा हमारी बात का। तेरी बात का के रहना, बात मैंने उनके पाले में फेंक दी है। अच्छा तू अपना रिश्ता पक्का मान के चल भाई, बहुत बढ़िया। पर सालों का मुंह फट रहा भाई, कितना मुंह फाड़ रहे हैं अब? 1 लाख तय बढ़ के 1.25 लाख पे आ लिए भाई। यू की बात हुई भाई, यू तो आदमी पागल बनाने वाली बात है भाई। ऐसे ही वो तीतर करे था, ऐसे ही तू करने लगा भाई। भाई यू बात की है भाई, यू घात है भाई। अरे घात कुछ भी नहीं है, तेरी बात पक्की है, मैंने दे दिया उन्हें जुबान, 1.25 लाख ही मिल जाएंगे, पर यू मौका नहीं चुका। तू नहीं करेगा तो मैं करूँगा। मैं तो सोच रहा था मेरी उम्र तो बतेरी पड़ी है, तेरी उम्र निकलती जा रही, तू पहले फंस जा, पर जब भगवान ने ऐसी चाही है तो तेरी किस्मत में बहू ही ना है तो मैं ही कर लूंगा, मैं ही दे दूंगा 1.25 लाख रुपया। मेरा दौरा कौन सा पैसे की कमी है? अरे तू तो बुरा मान गया भाई चील, अरे तू मेरा छोटा भाई है, अरे तेरी जुबान ना ग्रंथ में, ऐसे तो 1.25 लाख मैं ही दूंगा। अरे मैंने हाँ भर रखी है, तू बात आगे बढ़ा भाई। मैं उन्हें तेरा नंबर दूंगा, उनका फोन आवेगा तो तू कंफर्म कर दिए, कुछ एडवांस मांगे तो पीछे मत हटिए, बस तेरी एक फोटो और भेज दूंगा। तू बेधड़क होके फोटो भेज दिए भाई, चवन्नी का पीछे हटे भाई। बस तो चीली कौन सा पीछे हट रहा, तो भाई तू जाने तेरा काम। अच्छा ए के मार दिया। तुम्हें एक बात बताऊं, जो आपस में लड़े और कहीं गए, बक्कल तार दू मैं कक्के, खेत में जाऊं मैं ही बालू मां, सुन के रह। अरे के बात रह तू, अरे सिमरना रही मोसा जी, राम 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 राम। आजा हम तो बाट ही देख रहे थे तेरी। और यू के दाब रहा तू सुनिए, अरे मेरे यार रह तू शर्म नहीं आई, पैया की मूंगफली लेकर चल पड़ा, भले आदमी बालकू का तो देख लेता हिसाब की देख है। अरे मोसा जी इसमें शर्म की क्या बात है, अरे अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो कहाँ से लाता। अरे मैंने सोचा खाली हाथ से अच्छा ये पावर मूंगफली ले आऊं, अरे दो दो चार चार सब पे आ जाएगी बतेरी। अरे खाली हाथ के फिर थोड़ी सी और ले आता, भले आदमी तू भी शर्मा ही नहीं रहा, महंगाई महंगाई बता रहा, शर्म नहीं आई रही है बांध के चल पड़ा। बहुत बढ़िया रह तू, तेरे भागते बालकू को मूंगफली के दर्शन हो गए।
दिखे वो राजेंद्र तो जा रहा दो एक बालक बीमार से उड़े उन्हें डॉक्टर के लेके। तेरी मौसी जा रही अपने घरू और मैं जाऊँ एक बार खेत में, और तू इतना आराम से बैठ और बालक तेरी खूब करेंगे सेवा, और सांझ को तू जाइए मत। ठीक है मौसा जी, आप निश्चिंत होकर खेत पर जाओ, अब मैं आया हूँ तो दो चार दिन रह के जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, और चल तू बैठ आराम से, और सुन जा तू एक डीवीडी दी है ला, तू मैं ही ना काट लूंगा के, चल मैं आऊं तू बैठ इतना, अरे पानी पियो रे अपने मामा को बालको। चल तू इसे, चल मैं ही करवाऊंगा इसे भीतर, पता ना के गिरता पड़ता सा इंजू जा, चल दिखा पता ना के लखवाजा मार रहा आज कभी। अरे ध्यान रखियो बालको अपने मामा का, कदई सरक जानूंगे तिंगे कहीं बच्चे कम। हटो, अरे कम बगदा हट। अरे कोई पा, अरे पानी लिया बेटा। अरे अरे मेरा जूता कहाँ, कम बगदा, अरे मेरा जूता, अरे मेरा जूता, अरे घने पैसों का जूता, पचक दुम पचक दुम दुम पचक दुम पचक दुम दुम पचक, अरे 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 मेरा जूता, पचक दुम दुम पचक दुम भाभी कैसी हो? ठीक। उज्जवल देख कौन आया है। भाभी बैठो बैठो, भैया आजा, उज्जवल आजा। उज्जवल देख तेरे मामा आए, तेरी मामी जी भी आ गई। यहाँ बैठ। मामा जी नमस्ते बेटा। जीते रहो। जीते रहो बेटा। और कैसे हो? जी ठीक है। फोन वोन कर देते? बस टाइम नहीं मिला। फोन करने का टाइम नहीं मिला, पर चलो आ तो गए। सरप्राइज। देखो बेटा हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। ये बनाना है, ये एप्पल है। मामा जी इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी, मैं तो अकेला ही खाने वाला हूँ। हाँ यार ये ठीक कह रहा है, फ्रूट्स इतने लाके रखे हुए हैं, फ्रिज भरा रखा है, ये खाता ही नहीं। फ्रूट नहीं खाता तो भाई साहब कोई बात नहीं, हम मिठाई भी लेके आए हैं। ओहो भाभी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। दीदी इसमें खर्चा करने की कौन सी बात है, हमारा एक ही तो भांजा है, कौन से 14-15 हैं। फ्रीज है, फ्रीज में रख देना, खाता रहेगा आराम से। दीदी कुछ चीज हम भी तो खा के जाएंगे। हाँ हाँ जरूर खा के जाना, लगे शायद सलद साहिबा को भूख लगी हुई है। प्रिया तुम जरा चाय पानी का इंतजाम करो। और सुनो जब ये लोग आए थे तो राजवीर जी झांक के गए थे, ठीक है ये सब उठा के फ्रीज में रख दो, नहीं तो उसकी रकात आती हुई खा जाएगी सब। ठीक है भाभी आ जाओ। चलो दीदी। और सुनाओ। ठीक है सब जी। ठीक काम धंधा सब अच्छा है। चलो सास ससुर कैसे हैं हमारे? सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। बहुत अच्छे, ध्यान रखना उनका। जी बिल्कुल। पचक दुम दुम पचक दुम दुम पचक दुम पचक दुम दुम पचक दुम पचक दुम दुम पचक दुम। जूता, अरे जूता दे।
मार दूंगा मैं। कैसे बालक है, मैं तो परेशान हो गया जीजा से। अरे कैसे कैसे बच्चे पैदा करे। अब मामा के जूतों को ऊपर जूता छीन लिया। और दूध दाद हो रहा है घर में? चलो बढ़िया है। बन गई चाय? हाँ ये लो चाय। चलो रख दो संभाल के। लो बिस्कुट लो। लो भाभी जी आप भी लो। नहीं नहीं भाई। अरे लो भी भाभी। ले लो ना भाभी। हाँ तुम भी लो। मैं तो नमकीन लूंगी। पहले ये खा लो फिर नमकीन भी खा लेना। ले भाई। उज्जवल बेटा लो। वेरी गुड। एक मैं भी ले लूं। अरे मैं देती हूँ। चाय लो। अरे तुम भी ले लो। हाँ मैं भी लूंगी। चाय किसने बनाई? मैंने बनाई है। भाभी जी को बनाने देती ना? भाभी जी के हाथ की चाय पीते? इतने दिन में आई है वो मेरे लिए कह रही थी दीदी आपके हाथ की चाय पीऊंगी। इतने दिनों में आई है तभी तो पीनी थी इनके हाथ की हमें चाय। लो नमकीन खाओ। नहीं नहीं बस इनके हाथ की चाय पीनी है ना तो इनके घर चलना है। चले जाएंगे टाइम आने दो। लो नमकीन खाओ भाभी। तो लिटन तुमने नहीं दिया, बैठन तुमने नहीं दिया, पानी तुमने नहीं दिया। लो मैं जा ही रहा हूँ। मम्मा तू कुकर जाओगा अब्बा तो संकल भेड़ का बैर की। ए मोसा संकल भेड़ गया? यो मोसा भी मुझे मरवा के छोड़ेगा। गाय को बांध के लकड़ बग्गों के बीच में। अरे मेरा प्यारा भांजा देख मेरे गुल्लू तू मेरा प्यारा भांजा। अरे मैं जा नहीं रिया। बस तू एक काम कर बाहर जाके सकल खोलिया। संकल तो मैं खोल दूंगा अम्मा पर मैं 2 रुपए चाह बीच पे कुछ चढ़ का खोली अम्मा। अरे बीच पे नहीं चढ़ना तेरी चोट लग गई तो यो मुझका मेरे सर हो जाएगा। ना अम्मा चोट ना लगेगी मैं तो तेरी साइकिल भी बीच पे उतार दूंगा। अच्छा तुम टाल करो। अरे थोड़ी बहुत देर बैठन भी दोगे ना दोगे। जाओ ढोले खड़ा हो अम्मा की साइकिल की। अरे बालको अरे तुमसे ना चल लेगी ये साइकिल। अरे हट जाओ। अरे छोड़ दो। अरे साइकिल खराब हो रही है। रुको 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 रुको। अरे हटो। अरे साइकिल खराब हो रही है। अरे छोड़ दो मेरी साइकिल। अरे छोड़ दो। अरे साइकिल खराब हो रही है। अरे मेरे प्रिय भांजो खोल दो। देखो खोल दो। मैं तुम्हें रसगुल्ले लाऊंगा, रस मलाई भी लाऊंगा, मैं तुम्हें चमचम भी लाऊंगा। बस एक बार किवाड़ खोल दो। हाथ जोड़ू मैं तुम्हारे। खोल दो देखियो। अरे ओ साइकिल को मत छेड़ो, मेरी साइकिल खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें रस मलाई खिला दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू। खोल दो। अरे के कर रहे बालको? बहुत बढ़िया। 80 किलो फिर अपने मामा पे मंगा लियो एक साइकिल।
कहाँ था रे मामा? क्यों? जाता होगा वो। अच्छा यू तुमने बहुत बढ़िया करा, जान की बहुत लगी रहा इसके। अरे रे तू। हाँ मौसा। अरे के कर रहा तू, भीतर आवे ना मेरे यार। कुछ करने लायक छोटा ही कहाँ है इन बालकों ने। अरे खोल लेना कुंजी। मौसा कुंडी तो खुली पड़ी है। अरे भीतर तो कुंजी लग रही, खोल उसे। मौसा भीतर से ना लग रही। अरे भले आदमी थे तो बालक ही तंग कर दिए मरे। आ जा लिकड़िया। मौसा बाहर से गोल कुंडी। ओहो लबा तो बाहर थी है कुंडी बंद। आजा पचक दूं। भीतर क्या कर रहा था तू? पचक दूं। अरे मौसा जी मैं भीतर कुछ ना कर रहा, मैं तो जा रहा था। अरे मेरे यार मैं तुझे कह के गया था नहीं जाना नहीं जाना, फिर तू जा क्यों रहा था? मौसा मेरा तो यहाँ इतना जी लग रहा, अब के बताऊं। पर कुछ नहीं भाई, तूने बताए जूते काख में क्यों दे रहा तू? और क्यों तू पसीना पसीना हो रहा, डर भी रहा? कहीं बालकों ने तंग तो ना कर दिया तू? बच्चे कम तंग? अरे तंग करना कैसे कह मैं? मैंने तो ऐसे सुधे बालक धरती पर कहीं नहीं देखे। भगवान ऐसे बालकों की उम्र लगावे। ना ना ये तो बात है, हम बालकों को बोटा ही रखे हैं और राजेंद्र तो सारा ही ध्यान बालकों पे लगा रहा। वह तो किरेन की दादी है ना, वह इनका पक्ष ले ले, वह नहीं कुछ सीखने दे रही। ना तर हम तो बिलो पता नहीं के सिखा देते, और सब माँ बाप नहीं सोचते कि हमारे बालक कामयाब हो जाए। अरे मौसा जी ये तो बतेरे कामयाब हैं, इनमें ना कुछ भी सर। मैं तो थारी बाढ़ देख लिया था। क्यों भाई? मैं जाऊं था। अरे मेरे यार रह तू, क्यों जाऊं, जा कर रहा तू भी? अरे बालक साइकिल सीख लेंगे, और तू इतना आराम कर, राजेंद्र आ जाएगा, तेरी मौसी आ जाएगी, उनते मिल के जाइए। और एक काम कर, मैं इतने तेरी साइकिल ले जाकर दो गट से दो एक किलो तमाकू ले आऊं, और तू बैठ और चल, मैं छासी पी कर बस जान लग रहा। अरे रे तू चिंता ना मन, दो घूंट छा पी के मैं जान लग रहा, तू बैठ। ठीक है बैठ। कहाँ है छा छू? ऐसा है ई बालू में तावड़ाई, और तू इतने लोट मार, चलूं बस मैं दो एक घूंट छासी पी लूं। रह तू, या तो छाई खत्म होगी मेरे यार, न एक आध घूंट तू भी ले लेता। सुन तू एक काम कर। अरे मौसा मैं तेरे हाथ जोड़ू, छाछ छूज मैंने पी ली, तुझे जहां जाना तू जा, और देखिए मेरी साइकिल बड़े प्यार से चलाना, घने पैसों की खरीदी। ठीक है मैं जान लग रहा, तू एक काम कर बाहर भीतर जहाँ चप्पल तो चौखी ना लागती, कोई के कहेगा तू ये जूते से दे मजा। अरे मौसा तेरे नाने के। अरे वो तो मैं देखूंगा, आवेंगे कि ना क्यों पर ना आवेंगे, ये ले दिखाइए। ये आदमी बाहर भीतर जा जूते जाते पैर के जाना चाह, ये आदमी चोखा भी लगे मानस की आ बैठी जी वो नाने के तेरे ये। अरे तू देख ही ना तो मैं ऐसे ले आदमी, तो लिखड़े भी ना जूते ही पहरे हमने बोलो, जूते ही पहर के आवे जावे हम जहाँ भी आवे जहाँ। और एक बात बताऊं, लोट मैं बालकों को कह के जमा, भाई ध्यान रखियो अपने मामा का, राजेंद्र आएगा बस, फिर सब ते मिल के और सांझ को तुझे सूत्री डाल भेज देंगे। जल्दी आइए। अरे गया राया, साइकिल की तो रेल बना दूंगा मैं। और हाँ सुनिए, ले तू एक अधी बीड़ी दी है। अरे तू लिया गिनन लग रहा, पता ना कहीं की मुनीमगिरी में बैठ रहा, राम है कोई मिल जा बीड़ी बैडी पहनी पड़ जा। मैं घना फंसा यहाँ। अरे बालको ले दियो या साइकिल, दुर्गति कर दी साइकिल की, चला पड़ रहे पड़ रहा ड्राइवर छोटी से। और मैं ही बात तमाकू लेके, और एक काम करियो अपने मामा का पूरा ध्यान रखियो, पैनी पात बूझ जोश है और पाम इंचो पहले तुम उसके सारे। हाँ दबा दे मामा जी की सेवा करते हैं। क्या दबा रहे हो? तुम एक काम करो एसी चला दो, नरेंद्र आराम कर लेगा। है आराम वाराम तो बाद में कर लेगा, चल भाई पहले खाना खा ले। चलो खाना लगा लो। चलो मामा जी चलो। आ भाई आ बेटा।
अरे मूसा जी, हाथ वात तो धुलवा दो। हाथ कहीं में संजय रहे, मेरे यार खा खुले ने। अरे मूसा जी, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। हाथ धोने तो अपने आप धोया जाएगा, ससुराल में थोड़ी ना रहा। तेरा ससुरा सपा बन रहा, जा धोया जाके जा, जा निकल ले। घना इंजीनियर का ससुरा बन रहा। रतम पीछे को हो जाओ, कैसे छाती पे चढ़े खड़े हो? पीछे को हट जाओ, नहीं चूल्हे मोड़ा से दुखिया काट देखो। राजेंद्र ले रोटी ले जा। हाँ माँ, ला हटा दे नहीं पीछे को। पूरा ले भाई। पूरा बहुत बढ़िया, खावे ने? हाँ, खा, ये टिक्कण मैं खा लूं और भूरा तुम खा जाओ। बापू पूरा बहुत बढ़िया, कहाँ से मंगाई? पूरा घिनी बढ़िया, खा ले। बेटी के यार की ने सारी बुरा खिंडा दी, नूनी के एक जगह बैठ के खा ले। ए, इसे भी दे थोड़ी जी, ये बुरा खावेगी, ले आराम से बैठ के खाओ एक जगह। अरे माँ कर दिया नाश, देख देख वेले भागे, रोटी भी ना खाने दी से। तेरे ससुरे पता ना कहाँ से पैदा हो गए। देख रे एक डली जी, मैं तभी दिखा इस बुढ़े डांट को देखो। सालों तेर पे बिना खाई गई, एक घंटे से लग रहा चुकर चुकर, उल्लू की तरह देख रहा। राजेंद्र ले ले तू भी, आजा। आलिया, अरे बापू आलिया मैं के कम हूँ, अरे मुझे भी खाऊं तो मारी जी। हटो 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 हटो, अरे हटो अरे हटो। अब देख इस राजेंद्र को भी देख ले, बालकों में बालक हो रहे हैं दोनों बाप बेटा। इन में नहीं है कल का खोज। हाँ ले ले है गुटकी। काले काले बुरा बेटिया आया, इसे ले या देडियक। इनके नहीं लिहाज बिल्कुल भी आएगा ही की भी। मर ले हो उत्ते हो, मेरा तो बड़ा जन्म दुखी है इस घर में। धर लेंगे खाए करेंगे। हाँ और के घी और मिला लेंगे इसमें, घी बुरे चला गए तो फिर और जान सी आ जाएगी। हाँ बस आराम तक खाओ, आराम आराम से ले लो, खाओ खाओ चलो। तू भी ले ले रे। ए पोले के मेरे मुंह को देख रही है, तेरे पे भी चार रोटी ना सिक रही। मम्मा जी हमने रोटी खा ली। हाँ खा ली, सब्जी भी लानी, बुरा भी खा ली। हाँ बुरा तो मैंने ही खाया। सब्जी भी लानी। सब्जी सब्जी ना लानी। रे तू ले तो रोटी खा ली। हाँ, ले एक बीड़ी ला ले दिए। ले मोसा इस बीड़ी को तू ही रख ले, मेरे धोरे के काम इस बीड़ी का। चल ठीक है ठीक है, ये तो पी जहाँ सब दिन ले, हम पी लेंगे। रिश्तेदार रोटी तसल्ली से खा ली। हाँ खा ली, हम तो ऐसी इज्जत करे आए हुए। हाँ। कोई और कमी हो तो और बता दे ना, इसलिए तो मेहमान महाराज आ जाए कि हम इज्जत बहुत करें। हाँ हाँ मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। खाओ जी शुरू करो, खाओ नरेंद्र शुरू करो। लो सलाद भी लो। अरे प्रिया रोटी लाओ जरा, लाओ लाओ मुझे पकड़ाओ, मैं देता हूँ मैं देता हूँ। लो जी गरम गरम लो। भाभी जी आप भी लो, ये मैं ले लेता हूँ ठीक। लो और ले आओ। हाँ लाती हूँ। चलो थोड़ा जल्दी करो, खाओ खाओ। भाभी जी शर्माओ मत, खाओ।
चाय दे दे सर तू को। ले भैया चाय। राखी चल घर चल, माँ से मिलिए, ये बहुत दिन हो गए मिले हुए तुझे। पूछ ले अपनी मौसी से। अरे मौसी। हाँ बता बेटा। अरे राखी को भेज देती, मिल जाती माँ से। अरे के भेज देती इसे, कैसे भेज दू इसे, अभी तो मौका सही ना है। अच्छा आ जाओ। मका बहुत दिन हो गए मिल जाती। अरे भैया इसका मिजान सा ना है जाने का अभी। क्यों मिजान को क्या हो गया? अरे तुझे के बताऊं, पर चल ले तू जुम्मा पढ़ रहा तो बताई दो। इसे दिन से चढ़ रहे हैं है कुछ, इसका पाँव भारी है। अरे मौसी तू इन लोंडियों का क्यों पाँव भारी करवा रही? गुंड थूथड़ी क्या, मैं क्यों करवाती पाँव भारी अपने जीजा से बूझ? ऐसी तूने सीमा के गैल करवा रखा था, अब तू यो बता मैं होली पे कोथली लाऊं या छूचक लाऊं? क्यों तूने मेरा चक्कर रन करवा रखा है? निर्भाग कम मखत, तेरे पे के जोर पड़ रहा, कोई तो खुश हो हमारी भांजी भांजे हो रहे, तू यहाँ नाक मार रहा। छोचक की तो मांग रहे हैं तेर से, कोथली की तो कही ना रहे, छोचक लाए जा। अरे मौसी कुछ हिसाब किताब भी तो होता होगा, हर दसवें महीने में मुझे छुचक लाना पड़ लिया है, बच्चे तुम्हारे हो रहे हैं और कर्जा मेरे सर पर चढ़ लिया है। अरे कुछ तो रहम करो, बाल बाल बिंदगिया है इन भांजे भांजों के चक्कर में। अरे मौसी कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर। अरे तू कुछ देवे या मत देवे, पर तू मेरी पोती पोते को तो रहम रहम कर मत ना, जा अपने घर को। शर्म तो ना रही होगी तुझे, देख कितना बोल रहा है। अरे मुझे तो शर्म बतेरी आवे, तुझे तो नाती पर। ए शर्म तो मुझे बहुत आवे, पर क्या करूं, गांव का बालक बालक जान गया मुझे, और जनसेवा केंद्र वाले नू कह रहे थे कि रिश्तेदार को छूचक उचक न लाया। लो अपनी भेंट पकड़ो मैं चलूं। अरे मैं कहना चापूंगी, मेरे पोती पोते इनको दे जा सब 10-10 रुपया। बोलता क्यों ना, बैठा घूमड़ा सा। सब खाल पाड़ लो मेरी। अरे मौसी मैं बालकों को 10-10 रुपए दे तो देता, पर क्या करूं, फिर मेरे पास भाड़े को पैसा ना बचे। अरे आया साइकिल से, जाओगा साइकिल से, 10-10 रुपए दे जा पर बालकों को। अरे मौसी साइकिल की भी तो ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने मेरी। अरे बताओ वो मौसा ले गए थे, वो मेरी टीप फाड़ लाए, वो चल के मुझे पड़वानी है। अरे तू पर गुजा, इन बालकों को ले जा। अरे तू इनके सबके बाल छटवा ला, हम ना ले रहे तेरे से 10-10 रुपए, जा। यू लो मौसी तुम अपने 10-10 रुपए पकड़ो, और जिसे छटवाना तुम अपने हिसाब से छटवा लियो, और मेरा छोड़ो तुम पेंडा, मैं चला अब। अरे भूखा ही जावेगा, रोटी वोटी खा के जाइए, बड़न लग रही है। हाँ कल वाली रोटी मेरी छत्ती पर रखी, अभी वो ही नीचे गुन आ गई पेट में कू। अरे अभी तो वे भी ना है यहाँ, वे खेत पे गए हैं, उन्हें भी आ जान दे, उनसे मिलके ही चला जाइयो। उनसे तो मैं रात ही बतेरा मिल लिया था। तू बचा लें दे मुझे इन लकड़बग्गों से अपनी जान। मेरा काम बिगड़न लग रहा, अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे ना मानता तो चला जा भैया, नुकसान ना होना चाहिए तेरा। ठीक है राम राम। राम राम। के बात रहे तू चल दिया? हाँ जी मैं तो चल दिया, लेकिन मौसा जी तुमने बालक बहुत बिगाड़ रखे। बालकों के बारे में कुछ मत बोल दी। ओए सुन, मेरे आगे बोल दिया तो बोल दिया, मेरी माँ के आगे ना बोल दिए ना लगते पैर देगी। बिल्कुल बालकों की नहीं सुने हम। अच्छे अगरे बालक तो, और बालक कैसे हो? इन बालकों ने तंग कर दिया। यू चुप चुप बैठी जाए, फिर क्या होगा, इसके भांजे भांजे ना आए, बकवाद कर रही है। जीजा जी भांजे भांजी तो हैं, लेकिन इन भांजे भांजियों ने मेरी साइकिल का नाश कर दिया। अरे चल कोई बात ना, अगली बार नवी ले आइए। और एक बात सुन, यहाँ मोहल्ले में थोबड़ा ठीक करके जाइए, कदी न्यू भुंडी शकल करके जा, और ना हमें मोहल्ला न्यू कहेगा कि इसकी सेवा ना करी, और हमने पूरे दिन तेरी सेवा में लगा दी, सारी पूंजी खत्म कर दी हमने। हाँ तुम्हारी पूंजी खाकर ही मैं इतना बड़ा ना हुआ है। और हाँ तुझे जाते जाते एक बात बता रहा हूँ,
मोहल्ले में किसी की शिकायत ना आ जा कि तेरी सेवा ना करी। और ना तुझे पता फिर मैं कैसा आदमी हूँ। हाँ पता है तुम कितने बड़े वाले कंजर हो। और सुन जाते जाते एक बात और सुन ले, जो तेरे से बात बताई उसे ध्यान रखिए, और ना पता तुझे फिर मैं कैसा आदमी हूँ। हाँ पता है कैसा आदमी है। अरे सुन तो। अरे राजिंदर नाच बना धरा, चक्की पे धरता चला जाओगा, कौन ले जाएगा सिर पे धर के वन लो और वजन मरेंगे। बापू रोकिए ऐसा। अरे सुन तो भले आदमी, तू तो मुंह से बना के चल पड़ा। राजेंद्र ले आओ कटका, क्यों कटा के। अरे मोसा जी इसकी तो टीप फटी पड़ी। अरे टीप तो पिटी रहने दे, टीप में के करना, तू इस पे धरू चला जा। और टीप तो तू फिर भी नवी गिरवाओगा, उससे के भी गिर रहा। जा रहा राजेंद्र कट्टा टेक ले बापू, उसकी पिसाई दे रखी थे पिछली, पिसाई हम के देंगे, यूं ही देता जा। वो भी इस पे रख दो ना, देता जाइए, तुम 10 रुपए दिखे उसके, दे दिए उसे, रखना करते किसी को। दीदी अब हम चलते हैं। ये लो दीदी अपनी मिलाई। भैया इनकी क्या जरूरत है। कोई नहीं दीदी कोई नहीं, रख लो, ये लो रख लो आप। अरे ले लो ऐसा मत करो। लो बेटा आप भी लो बेटा। नहीं मामा जी, ले लो बेटा ले बेटा खुश रहो। पैर छू ले भाभी, मामी जी के भी छू। इसमें ना आपकी साड़ी और भैया के कपड़े हैं। दीदी इसकी क्या जरूरत है। कोई बात नहीं भाभी, अच्छा लगता है, लेने देने से कुछ नहीं होता, प्यार बढ़ता है। ओके आते रहना भाभी ये कपड़े। चलते हैं जी जाजी ठीक है। ओके संभल के जाना, बाहर तक छोड़ के आ गए उज्जवल। चलो अच्छा जी, बाय 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 टाटा, बाय बाय के जाना है। हाँ जी भाई नमस्ते जी, पहुँच के फोन कर देना। मारे जीजा ने भी बालकों की लाइन लगा रखी है, छूचक देने में जिंदगी कट जाएगी हमारी तो। दुनिया छूचक ने मार ली, ये देखो बड़ा भाई भी छूचक लेके जा रहा। रुकियो जी, अरे बड़े भैया छूचक लेके जा रहा आके। भाई छूचक नहीं अपने घर का सामान लेके जा रहा, ये देखो छूचक लेके जा रहा और झूठ बोल लिया। महाराज जीजा भी थमता ही नहीं, पता नहीं क्या खा रहा।